हो तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जानना, माने तू या मानना। और एवरीबॉडी वार्म वेलकम टू द सेशन, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। बड़ी देर से मुझे इस सेशन की वेट थी, आई होप आपको भी वेट थी। अरे कहाँ पे लेट, पूरे 1:30 पे मैंने शुरू किया है, तुम लेट नहीं बोल सकते आज, ठीक है। तो यार सुनो भाई, आज हम YouTube का लॉन्ग ट्रैक इलीट बैच शुरू कर रहे हैं। JEE 2022 का तो शुरू हो गया आज से, 23 वाली जनता थोड़ी सोच रही कि सर हमारा कब से होगा। देखो भाई, क्योंकि तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स चल रहे हैं, अभी होने वाले हैं, तो व्हाट वी हैव प्लान्ड इज आपका JEE 23 का अगले वीक से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करेंगे, जिससे आप 11th का फाउंडेशन बनाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आपके स्कूल के एग्जाम्स ओवर होंगे, यही फाउंडेशन जो है मर्ज हो जाएगा आपके लॉन्ग ट्रैक में। सो 23 जनता, टेंशन मत लो, तुम्हारा सब टेकन केयर ऑफ होगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू 2022 जनता, पहली बात तो आग लगा दो फटाफट चैट में, पूरी एनर्जी ले आओ। आज पहला सेशन है #VLOP, आग लगा दो। अब तो भैया 12th में तुम्हें ऐसी पढ़ाई करवा देनी है, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रैक है, वी हैव टाइम इन आवर हैंड, तुम्हारे पास पूरा साल है प्रेपरेशन का। और कल सूरी सर बता चुके हैं ना तुम्हें लॉन्च में कि 12th का सिलेबस बाय अक्टूबर एंड वी विल फिनिश, आफ्टर दैट 11th का रिवीजन शुरू हो जाएगा तुम्हारे लिए, ताकि कुछ भी रह ना जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार अपने नाम के आगे भी ओपी लिख दो, बिकॉज तुम भी अब ओपी हो, पूरा साल तुमने ओपी रहना है, एनर्जी हाई रखनी है, फुल इन कॉन्सेंट्रेशन करना है, और उसके लिए हमें जो जो करना पड़ेगा किया जाएगा। तुम्हें किक स्टार्ट देने के लिए सेशन तो है ही, आज रात को मैं एक बहुत तगड़ा सेशन लेने वाला हूं, जिसके बाद तुम ये कहना क्या सोचना भी छोड़ दोगे कि मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। आज रात को सेशन आ रहा है, इसके बाद फोड़ दोगे, लगाना जरूर 8 बजे आज रात को। जिसको भी अपने अंदर कभी कभी कमी दिखती है ना कि यार मैं ढीला पड़ जाता हूं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं पढ़ाई के लिए बना भी हूं या नहीं बना हूं, जिसको भी ऐसे कभी कभी डाउट आते हैं, आज रात का वो 8 बजे का सेशन मेरा जरूर लगाना। बहुत क्रिस्प 20-30 मिनट का सेशन होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, और उससे बाद तुम्हारे अंदर ऐसी आग लग जाएगी कि पूरा साल तुम भयंकर लेवल पे तैयारी करोगे, ठीक है। ड्रॉपर चिंता ना करो बेटा, आपके लिए ये मेक श्योर किया गया कि JEE 22 और 23 की जो क्लासेस चलेंगी वो डिफरेंट टाइम स्लॉट में चलेंगी, तो आप दोनों को अटेंड कर पाओगे जहां जहां आपकी जरूरत होगी, ठीक। तो चलो भाई, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब इसको करते हैं बंद और हम आते हैं मुद्दे पे, और तुम्हारा भाई पीपीटी पे सेशन लेगा अब। ले भैया पीपीटी, मजाक है कोई, भाई ने पीपीटी की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली अब, क्योंकि पीपीटी पे जो सुंदरता आती ना बेटा, समहाउ वो गूगल स्लाइड पे नहीं आती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुमको जो नोट्स हैं वो कंप्लीट मिलते हैं, पूरे कंप्लीट। ले भैया सब सेट हो गया, ऑल गुड ना, शुरू करें फिर। मैं क्या ऑल सेट, डन 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 डन। तो यस, तुम्हारे भाई को जल्दी रहती सेशन शुरू करने की, बट कुछ बातें ऐसी होती जो बिगनिंग में बतानी जरूरी है। एक तो उनमें से ये है, एक तो भाई अपना पीछा नहीं छोड़ रहा, आमिर खान ऐसे बार बार देखता है हमको और कहता है वोट दो वोट दो। तो यस दे देना भाई, फायदा ही होगा, कुछ प्राइज जीत जाओगे, और अगर एडमिशन लेने का मन हुआ तो शायद कुछ स्कॉलरशिप भी हो उसमें, आई डोंट नो, बट यस प्राइजेस बहुत मिलेंगे। तो यस डू गो फॉर इट, 3 days टू गो नाउ, ठीक है। अगला जो वोट आ रहा है प्रेजेंटली, अगर अपनी बात करूं, कुछ नए बच्चे भी हो सकते हैं जो अभी भी ज्वाइन किए होंगे, आई एम अरविंद कालिया सर, HOD मैच एट वेदांतु। एंड यस, बहुत बच्चे कह चुके हैं सर ये फोटो चेंज करो, मैं भी बाबा कह चुका हूं, बट समहाउ वो चेंज करते हैं, बट मेरी फोटो ऐसी ही आती है, अलग ही ब्राइट लगती है, जैसे एलियन खड़ा होता है। डोंट वरी, जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हम, राइट। सो हैव बीन अवॉर्डेड एट नेशनल लेवल 2 times ऑफ बेस्ट टीचर अवार्ड, सब तुम्हारा प्यार है भाई, गॉड ब्लेस यू, तभी तो मैं तुम्हारा भाई और तुम भी मुझे भाई की तरह देखते हो, राइट। एंड यस हैव बीन सेलेक्टेड एट नेशनल लेवल फॉर द कैंप, जिसमें कि पूरे इंडिया में से 50-60 बच्चे एंड बच्चे कह दिए कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। एंड आई हैव अटेंडेड दिस कैंप 2 times, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स से कैंप करवाता है, जिन लोगों को मैथ से बहुत प्यार होता है वो इसमें जाते हैं, राइट। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और अब ये बहुत जरूरी है कि बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अब तुम्हारे सेशन जो चलने वाले हैं एक रेगुलर फ्लो में, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड डोंट वरी, यस तेजस्विनी गॉड ब्लेस यू, डोंट वरी, मैं अभी सेशन शुरू करने से पहले आपको वीक का पूरा शेड्यूल भी लिख के दे दूंगा डे बाय डे, सो दैट किसी को कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो कल सूरी सर ने जब लॉन्च किया था पूरी डिटेल बताई थी, जिसने मिस कर दिया वो सेशन देख लेना, कल ही हुआ था,
वेदांतु जेई इलीट लाइव का लॉन्च, उसमें पूरी डिटेल बताई गई थी, जिसका कि ब्रीफ थोड़ा बता दूंगा जितना मैथ से जुड़ा हुआ है आज, राइट। और हाँ, जो बच्चे इन्हीं चीज़ों को जो हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे, इसी को थोड़ा ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होके, ज़्यादा हैंड होल्डिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर पेड प्लेटफॉर्म एज वेल। इसके बारे में डिटेल में बात जरा चैट में बता दो, तुम्हारा भाई इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कब करता है, बिगिनिंग में या एंड में, चैट बताओ फटाफट। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे ढूंढते हैं कई बारी, कि हमें पेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, अगर हमें ज़्यादा पर्सनलाइज इफेक्ट से पढ़ना है, ज़्यादा डाउट लेना है, इंटरेक्शन करना है, एग्जैक्टली exactly. तो ये चीज़ें तुम्हारा भाई डिटेल में एंड में बताएगा, अभी तुम्हारा भाई फास्ट फास्ट इसको फॉरवर्ड करेगा, फास्ट और फॉरवर्ड। भैया ये सब मिलता है, क्लास में दो टीचर रहते हैं, एक पढ़ाने वाले, एक डाउट लेने वाले, डाउट लेने वाले बहुत सारे टीचर होते हैं ताकि डाउट रहना जाए। आगे चले अगला स्लाइड। लो भैया, ये मैंने आज एक ग्लिप्स यहाँ पे लगाया हल्का सा, जिसका कि डिटेलिंग मैं सेशन के एंड पे करूंगा, कि टिपिकली क्लास लगती कैसी है, इस पूरे की मैं डिटेलिंग सेशन के एंड पे करूंगा, कैसे डाउट लिए जाते हैं, कैसे क्विज पूछे जाते हैं बच्चों से, और क्विज के बाद कैसे रिपोर्ट दिखाई जाती, कितनों ने सही किया कितनों ने गलत, कैसे एंड में लीडर बोर्ड आता, ये सब कुछ क्लास के एंड पे मैं डिटेल में बताऊंगा। पर अब भी तो समझ आएगा तो मजा आएगा, टेस्ट देते रहने, रेगुलर टेस्ट होते, पूरी रिपोर्ट आती, रिपोर्ट में क्या क्या आता है, ये सब कुछ मैं सेशन के एंड पे डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आगे चलेंगे, आगे चलो भाई, क्यों नहीं चल रहा, और आगे चलो भाई, क्यों नहीं चल रहा। वेदांतु के रिजल्ट की बात करूं, तुम सबको पता है कि बेस्ट इन द कैटेगरी है, बट भाई तुम्हारा बताएगा एंड पे। बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो तुम्हारा भाई बताएगा एंड में। और अभी हमें क्या करना है सर जी, डिटर्मिनेंट शुरू करना है, डिटर्मिनेंट शुरू करना है। डिटर्मिनेंट शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं शेड्यूल। लो भैया पेन, ये रहा, ये रहा तुम्हारा येलो कलर, येलो कलर से लिखेंगे। पहली बात, मैं तुमको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के जो सेशन होंगे मैं हल्का सा स्लॉट बता दूं, ताकि तुम वो स्लॉट फिक्स कर पाओ। बेटा डेली 1:30 to 4 PM के स्लॉट में एक क्लास होगी एक सब्जेक्ट की, दैट्स इट। यानी कि हफ्ते में 6 क्लास हो गई, हफ्ते में 6 क्लास हो गई इस स्लॉट में। 1:30 टू 4 रखा गया, क्लास 2 से 2.5 घंटे के बीच में वेरी करेगा। तुमको कल सूरी सर बता चुके हैं कि अगर मैं एक एक घंटे की 8 सेशन रख दूं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती, पहले 2-3 लगा के बाकी मिस हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक एक घंटे के 8 सेशन रखने से अच्छा है 2.5 घंटे के 3 सेशन रख दो, सेम टाइम मिल जाएगा, ज्यादा एफिशिएंसी से तुम लगा पाओगे, एक ही सेशन तुमको ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। इस चीज के चलते रहते ये सेशन बड़े रखे गए, तो इस स्लॉट में तुम्हारी क्लासेस होंगी। सेशन के एंड पे तुम्हें मैं पीसीएम के डेज भी बता दूंगा कि कौन कौन से डेज है पीसीएम के, राइट। 8 to 10 PM के स्लॉट में तुम्हारे मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, जो कि प्रॉपरली पहले अनाउंस किए जाएंगे, 4-5 दिन पहले अनाउंस हो जाएगा पहले ही कि बेटा 5 दिन बाद इस स्लॉट में टेस्ट आ रहा है, प्रेपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। और तुम्हारे 4 कंपोनेंट तुमको याद है ना, आधार, इस स्लॉट में पहले आधार कंप्लीट होगा, यानी कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद किसकी बारी आएगी, तपस की, यानी कि आपके डीपीपी जो है, जो आपको डीपीपी मिलेंगे सेशन बाय सेशन, उनके जो बेस्ट क्वेश्चन जहां पे डाउट्स आ सकते हैं वो इस सेशन में सारे डिस्कस होंगे। वेरी गुड अनुराग, ये भी इसी में आएगा आधार खत्म होने के बाद। फिर जब तपस खत्म हो गया फिर क्या आएगा, मंथन। मंथन में क्या होगा, इसी चैप्टर के जेई मेन और एडवांस के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो कवर किए जाएंगे। आइडिया चमक गया, तो स्लॉट यही है। अगर मैथ की बात करूं तो क्या होगा, पहले इसी स्लॉट में सेशन बाय सेशन चल के चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद अगला सेशन इसी स्लॉट में आएगा तपस का, तपस के बाद इसी स्लॉट में अगला सेशन आएगा मंथन का, और उसके बाद क्या आएगा, मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट कहां पे आएगा, 8 to 10 में। पैटर्न क्लियर हो गया सबको, परख, यस परख, परख आएगा इसमें, सबको समझ आ गया, दिस इज मैथ का पैटर्न, दिस इज फिजिक्स का पैटर्न। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि केमिस्ट्री में सेशन ज्यादा होते हैं, तो केमिस्ट्री में जो आपका मंथन भी है, मंथन वो भी इसी टाइम पे होगा, केमिस्ट्री में मंथन भी इसी स्लॉट में होगा फॉर केमिस्ट्री। तो लो भैया इसके चलते रहते 12th अक्टूबर के अंत तक खत्म विद कंप्लीट
थ्योरी, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट, डीपीपी डिस्कशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ, जेईई मेन एडवांस पूरा लेवल, उसके बाद इलेवंथ की तैयारी शुरू हो जाएगी, रिवीजन शुरू हो जाएगी तुम्हारे लिए। सारे सेट, एस्पायर आ रहा है बेटा। अगर तुम देखोगे अगले हफ्ते जो 21 अपीयरिंग बचे हैं उनको फटाफट बता दूं, 21 अपीयरिंग बचे अभी जो हो रहे हैं उनके लिए अब जो 5 to 8 में क्लासेस चल रही हैं वो अब एडवांस की ओर मुड़नी शुरू हो गई हैं, दे हैव कन्वर्टेड इनटू एडवांस, टफ प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, वही टफ प्रॉब्लम फाइनली एडवांस जो है एस्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और 23 का बिगनिंग बता चुका हूं बेटा, कृष्णा पंडित बिगनिंग का पार्ट देख लेना, 23 के बारे में मैंने पूरी डिटेलिंग कर दी है। अब आ गई बारी डिटर्मिनेंट की। सर एक बात बताओ, तुम में से ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं पे कहीं कुछ पढ़ना शुरू कर दिया है, कभी क्लासेस में या कोचिंग में या खुद से, तो उन्होंने पढ़ा होगा कि ये पूरा चैप्टर जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, और उन्होंने पढ़ा होगा कि यार पहले मैट्रिसेस पढ़ाया जाता है और फिर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो सर आप डिटर्मिनेंट कैसे शुरू कर रहे हो? सारे सुन लो फटाफट, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट नो डाउट आपस में जुड़े हुए हैं, पहले मैट्रिसेस पढ़ा जा सकता है फिर डिटर्मिनेंट पढ़ा जा सकता है, या फिर पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा जा सकता है फिर मैट्रिसेस पढ़ा जा सकता है, दोनों किसी भी ऑर्डर में पढ़े जा सकते हैं। पहली बात, नंबर वन। नंबर टू, सर आपने मैट्रिसेस से शुरू क्यों नहीं किया? नॉर्मली बुक्स में मैट्रिसेस पहले दिया होता है, डिटर्मिनेंट के बाद जब मैं मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा ना तो मैं पहले ही सेशन में रियलाइज हो जाएगा कि मैंने मैट्रिसेस से शुरू ना करके डिटर्मिनेंट से शुरू क्यों किया। ठीक, ओके, अभी सारा फोकस डिटर्मिनेंट पे बेटा, आप अब रेडी हो जाओ, अब सेशन शुरू होने लगा है, सारी गुफ्तगु खत्म हो गई है, बेस आपको बता दिया है, अब सेशन हम शुरू करने लगे हैं, रेडी हो जाओ सारे। शाबाश, एवरीबॉडी रेडी नाउ, शाबाश, रेडी रेडी रेडी। और हाँ, सारे पीडीएफ मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, डेली सेशन के बाद शाम को ये सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, चाहे वो सेशन है, चाहे वो डीपीपी है, चाहे वो मंथन है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो फटाफट मिल जाएगा, तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लो, वहां पे सेशन के बाद इमीडिएटली मिल जाता है। ओके, शुरू करें, आ जाओ। सिंगल डिस्क्लेमर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिसेस थोड़ा देखा हुआ है, प्लीज डू नॉट कंपेयर, प्लीज डू नॉट कंपेयर, इसको बिल्कुल अलग चैप्टर की तरह पढ़ना है, कहीं पे भी ये कंपेयर नहीं करना, सर मैंने तो मैट्रिसेस में पढ़ा था कि ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट में ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं सोचना, अलग चैप्टर, अलग कॉन्सेप्ट, अलग थ्योरी, अलग एग्जांपल, बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। आ जाओ, तो इंट्रोडक्शन डिटर्मिनेंट विद एन रोज एंड एन कॉलम, सुनो डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, एक नोटेशन है, नोटेशन, कैसी नोटेशन, ऐसी नोटेशन जिसमें कुछ एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में रखा जाता है, जैसे कि A1, B1, A2, B2। जरा चैट में बताओ इसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं और कितने एलिमेंट्स हैं, कितने रोज, कितने कॉलम्स और कितने एलिमेंट्स? सर जी दो रोज है, दो कॉलम है, टोटल चार एलिमेंट है। वेरी गुड, इसको ऐसे लिख देते हैं, टू रोज टू कॉलम्स, ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, और सर थ्री रोज थ्री कॉलम भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, यहां पे थ्री रोज और थ्री कॉलम। फटाफट चैट में बता दो सेकंड रो क्या है, फटाफट चैट बताओ सेकंड रो क्या है। बेटा इन दीज सेशंस आई विल बी इंटरेक्टिंग अ लॉट विद यू बिकॉज हियर इट्स अ लॉन्ग ट्रैक बैच, पूरी थ्योरी पूरे कंसेप्ट पढ़ने हैं, ये वन शॉट नहीं चल रहे अब, तो यहां पे तुमको बहुत सारे जवाब चैट पे देने पड़ेंगे। सेकंड रो बता दो, सेकंड रो क्या है, सेकंड रो इधर, सेकंड रो क्या है, A2, B2, C2, A2, B2, C2, परफेक्ट, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। सर एक रो और एक कॉलम भी पॉसिबल है? यस बेटा, ये देखो वन रो वन कॉलम। सर ये तो कुछ कुछ मॉड जैसा लग रहा है, अबे लग रहा है नहीं। सो ये है डिटर्मिनेंट जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम, ये है डिटर्मिनेंट जिसमें दो रो दो कॉलम, ये तीन रो तीन कॉलम, ऐसे ही जितने मर्जी हो सकते हैं। एंड यस, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। सर ऐसा क्यों?
अरे इट्स अ डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन को कभी चैलेंज नहीं करना। अगर किसी चीज को एक तरीके से डिफाइन किया गया है तो वो वैसे ही डिफाइन किया गया है, उसको वैसे ही रखना है। सो इट्स अ डेफिनेशन। सो अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि डिटर्मिनेंट किस चिड़िया का नाम है। डिटर्मिनेंट एक नोटेशन का नाम है जिसमें कुछ एलिमेंट्स को इसके बीच में रखा जाता है, रोज और कॉलम्स के बीच में। सिलेबस की बात करूं तो हमारे सिलेबस में 3x3 तक का सिलेबस है, इसके आगे का हमारे सिलेबस में नहीं है। करने को 4x4, 5x5 जितने मर्जी बनाते रहो, बट सिलेबस में 3x3 से आगे नहीं है। अब यहां पे आओ, यहां पे एक 3x3 डिटर्मिनेंट दिख रहा है। टेल मी इन द चैट, क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहां पे ना ये जो सबस्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं कुछ पैटर्न में है, देख पा रहे हो? पैटर्न में है। जस्ट से यस और नो, डोंट टेल मी द मीनिंग, जस्ट से यस और नो। एक पैटर्न सा है, एक पैटर्न है। शाबाश, ये पैटर्न बेटा ये है। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स। शॉर्ट में बोले तो एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए जाते हैं, A1, B2, A3, B3, A, B, C, D, कुछ मर्जी लिखो। बट अगर आपको प्रॉपर नोटेशन बोली जाए तो ये है प्रॉपर नोटेशन। नोटेशन में पहले क्या आएगा? आई। आई क्या होगा? रो नंबर। कैन यू सी, पहले वाले में आई जो है वो वन है, क्योंकि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। जस्ट से यस और नो, आई जो है वो वन है क्योंकि ये रो नंबर वन के एलिमेंट है। सेकंड में देखो बेटा, सेकंड में देखो फटाफट, सेकंड में देखो आई जो है वो टू है क्योंकि ये रो टू के एलिमेंट्स हैं। सब सीखते जाओ, शाबाश, वेरी गुड। और थर्ड में देखो आई जो है पहले वाला एलिमेंट वो थ्री है क्योंकि ये थर्ड रो के एलिमेंट है। सब छा गए, और वेरी गुड दीप शाह, दिल खुश कर दिया। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा? इसमें देखो जे जो है वो वन है, जे क्योंकि ये कॉलम वन के एलिमेंट है। सब प्यार से समझते जाओ, पूरी फीलिंग लेनी है, पूरी पूरी फीलिंग, शाबाश। यहां पे देखो जे जो है वो टू है क्योंकि ये कॉलम टू के एलिमेंट है। आई, शाबाश। एंड नॉट द लीस्ट, ये रहा कॉलम थ्री के एलिमेंट। तो आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, ए आई जे। पहले रो नंबर आएगा फिर कॉलम नंबर आएगा। अब तुम मुझे, नाउ यू विल टेल मी वन आंसर, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सोच के जवाब देना, बिल्कुल सोच के। अगर मैं तुमसे पूछूं इसमें, इसमें ए वन थ्री क्या है, बताओ कैसे देखना है? भैया पहली रो में और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? पहली रो में और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? वो छा गए, शाबाश। सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कहां पे मीट कर रहे हैं? सी पे। तो सी इज द एलिमेंट। मैं क्या दिल खुश करता पुत्र, लो जी। अबे और जवाब दो, अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रैक्टिस बहुत करनी है क्योंकि ये नोटेशन पूरे चैप्टर में चलनी है, तो वी हैव टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। और बताओ ए टू टू क्या है? फिर से लड़ी लगा दो सही जवाब की। पूरे सेशन में मैं इंटरेक्ट करता रहूंगा क्योंकि हमें बेसिक से लेकर पूरे ऊपर तक जाना है। ई, वेरी गुड। एक और बता दो, फिर मुझे यकीन हो जाएगा तुमको आ गया है। ए टू थ्री, बस ये बता दो, फिर मुझे भरोसा हो जाएगा दैट यू हैव लर्नड इट, देन आई विल बी लाइक कंफर्म्ड कि आपको अब आता है, कोई डाउट नहीं रह गया। ए टू थ्री बता दो। एफ, वेरी गुड। सेकेंड रो थर्ड कॉलम एफ पे मीट कर रहे हैं। तो अब तुमको एलिमेंट्स तो लिखने आ गए, पोजीशन पता लग गई, ठीक है। तो चलो स्टैंडर्ड, पहले हमने देख लिया कि डिटरमिनेंट दिखता कैसा है, फिर देख लिया कि उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, कि कैसे एग्जैक्ट तरीके से लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, अब आगे चले नोटेशन। नॉर्मली डिटरमिनेंट जो है डेल्टा या वर्टिकल बार के बीच में ए या डिटरमिनेंट ए, ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में। जैसे कि
अगर पिछले की बात करें, ये सारे मुझे इसको शॉर्ट में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? आई विल से दिस इज डेल्टा, शॉर्ट में नाम देने के लिए, बस और कुछ नहीं, शॉर्ट में नाम देने के लिए डेल्टा कहा जाता है। नोटेशन क्लियर हो गई। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, देखो हम क्या सीख रहे हैं, हमने पहले देखा डिटर्मिनेंट दिखता कैसा है, नोटेशन क्या होती है, अब उससे जुड़ी हुई और चीजें, ऑर्डर। चैट में बता दो, इजंट इट वेरी ऑब्वियस, ऑर्डर कुछ और नहीं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है। ये ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट है, ये ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट है, ये ऑर्डर थ्री का डिटर्मिनेंट है, बस और कुछ नहीं। छोटी सी डेफिनेशन, पिद्दू सी डेफिनेशन, कोई मतलब ही नहीं ज्यादा। तो ऑर्डर जस्ट मीन कि रोज कॉलम कितने हैं और कुछ नहीं। चलो डिटर्मिनेंट दिखता कैसे है, लिखते कैसे हैं, ऑर्डर क्या होता है, सब इजी हो गया। अब आ गई एक्सपेंशन, डिटर्मिनेंट को ओपन कैसे किया जाता है। सर ये ओपन की बात कहां से आ गई? सुनो, डिटर्मिनेंट एक नोटेशन होती है जो कि फाइनली एक्सपैंड करके एक वैल्यू देती है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नोटेशन है जो कि फाइनली ओपन या एक्सपैंड करके एक वैल्यू देती है। अब हम देखने लगे कि वो वैल्यू कैसे देती है। आ जाओ देखिए वैल्यू कैसे देती है। ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, पहले इन दो को देखेंगे। अगर तो ऑर्डर वन की बात करें कुछ ऐसा दिखता है, और अगर ऑर्डर टू की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। ऑर्डर वन की वैल्यू कुछ और नहीं, वो एलिमेंट ही होता है जो उसके अंदर है, जो उसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछो डिटर्मिनेंट ऑफ 5, इट विल बी 5। डिटर्मिनेंट ऑफ -3, इट विल बी -3। फिर से कह दूं, डोंट कंफ्यूज विद मॉड, इट इज नॉट मॉड, इट इज डिटर्मिनेंट, इट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 सिर्फ क्या होता है, सेम एलिमेंट। अब 2/2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लिखते हैं? वेरी गुड भार्गव, वी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं कि पहले कौन सा लेना है, पहले कौन सा लेना है। तो बेटा पहले ये और फिर ये, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हमेशा रेड लेना है, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी AD - BC, AD - BC। दैट इज हाउ वी ओपन अप 2/2 डिटर्मिनेंट। वेरी गुड, ओके अरमान बेटा, ठीक है, गॉट योर पॉइंट बेटा। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली 3/3 को ओपन करने का तरीका भी होगा, 3/3 की वैल्यू भी होगी। तो 3/3 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, 3/3 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, उससे पहले पहले इसकी प्रैक्टिस तो कर लो। चलो फटाफट प्रैक्टिस करो 1 और 2 ऑर्डर की, फटाफट मुझे इसका जवाब दो, टेल मी इन द चैट, फटाफट, टाइम भी लगाना, ए पार्ट का आंसर दे दो मुझे फटाफट। 6 - 3 = 7 - 2, इसका जवाब दे दो मुझे। बच्चे कह रहे हैं 9 9 9 9 9 9 9, ओ छा गए। हमेशा पहले लेफ्ट से करना है, तो 6 - -2 -3 - 7, तो आंसर आ गया 9। वेरी गुड, कमिंग टू दिस वन, मुझे चैट में सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है? कितनों को दिख रहा है कि जब मैं ऐसे करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फटाफट बताओ कितनों को दिख रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ओ बहुत बढ़िया, A³ - B³ का फॉर्मूला बन गया ये तो, X³ - 1 का³, A³ - B³, बहुत बढ़िया। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया? A³ + B³, A³ + B³। आई शाबाश, तो -A³ + B³, तो फाइनली यू गेट द आंसर। तो बेटा आंसर क्या आ गया इसमें? X³ - 2 इज आंसर, X³ कट जाएगा और ये -1³ - 1³ बन जाएगा -2। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। अच्छा, इसके बाद ओपन करना तो आ गया, अब 3 की बारी आई, अब आई 3 की बारी।
कि हम थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू से पहले मुझे एक बात बताओ, अरे यहां मैंने एक चीज लिखी थी वो कहां गई? शायद रब हो गई क्या? शायद मुझसे रब हो गई, मैंने एक चीज लिखी थी यहां पे एक्चुअली। चलो दोबारा लिख लेते हैं, कितनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना याद है जो वेक्टर्स में पढ़ा था? टेल मी इन द चैट। जो आपने वेक्टर्स में पढ़ा था कितनों को याद है? बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा करते थे बेटा, ये कुछ और नहीं डिटर्मिनेंट ही था जो आपको रटाया गया था कि बेटा इसको ना ऐसे ओपन करना है, पहले आई को पकड़ लेना है और फिर ना इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 6+1, फिर ना बेटा जे को पकड़ना है पर ना आगे माइनस लगा देना है, पर आगे माइनस लगा देना है, और फिर किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? इनको और इनको, 4+1 5, और बेटा फिर ना इसको पकड़ लेना है और किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? इनको, सो 2-3-1। कुछ इस तरह से सीखा था बेटा, ये कुछ और नहीं, यही डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका है। अगर हम 3x3 की बात करें, जरा देखो, डू यू एग्री? बिल्कुल सेम चीज लिखी है, जस्ट सी फटाफट देखो, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। पहले इसको पकड़ा गया और किससे मल्टीप्लाई किया गया है? इसके डिटर्मिनेंट के साथ, डिटर्मिनेंट कह लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो, बात तो एक ही है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, फिर क्या किया गया? फिर अगला वाला पकड़ लिया गया बेटा, फिर इसको पकड़ा गया बट इसके आगे माइनस लगा दिया गया, ठीक है, इसके आगे माइनस लगा दिया गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? अब ध्यान से सुनो, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया? इसका रो और इसका कॉलम छुपाने के बाद, जो चार एलिमेंट बचेंगे उसके डिटर्मिनेंट के साथ, तो मैंने कहा कि यार ये चीज तो बहुत इजी हो गई, पैटर्न बहुत ही अच्छा है, ये पैटर्न तो हमको पहले से ही आता था। आदित्य बेटा, बातें करने से अच्छा है कि सीखें आज, ठीक है, बातें करने से अच्छा है सीखें। आज हमने डिटर्मिनेंट शुरू किया है और ये लॉन्ग ट्रैक बैच है YouTube का, जहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सो लेट अस फोकस ऑन लर्निंग। जहाँ जहाँ मुझे तुमसे ज़रूरत होगी पूछने की, मैं पूछता रहूँगा, बट गप्पे नहीं मारनी बेटा, गप्पे तो मैं वैसे नहीं मारता बेटा इतनी, पढ़ाई करने आया ना, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, ठीक है, अवश्य अवश्य आ जाओ इधर। तो सिमिलरली हमने थर्ड, अब क्वेश्चन आता है, सर यहां पे तो ऐसे ही लिया था, यहां पे भी ऐसे लिया, यहां माइनस ले लिया, क्यों? बेटा पता तो तुमको ये भी नहीं है कि 2x2 की वैल्यू जब निकाली थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यों निकाली थी, पता तो तुमको ये भी नहीं है 2x2 की वैल्यू ऐसे क्यों निकाली गई, किसी को पता है? नहीं। 1x1 की वैल्यू यही क्यों थी, पता है? नहीं। तो बेटा 3x3 में क्वेश्चन कहां से आया, बेटा दीज आर डेफिनेशंस। तो इसकी वैल्यू ऐसे ही डिफाइंड है, इसकी वैल्यू ऐसे ही डिफाइन की गई, जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 × 10। क्या इसका कोई रीजन है? नो, दैट इज द वे स्क्वायर इज डिफाइंड, सिमिलरली दिस इज द वे दैट इट इज डिफाइंड। बट सर क्या ये आगे जाके और भी कुछ बनेगा? यस, ये आगे जाके और भी कुछ बनेगा, जो कि हम विद टाइम सीखेंगे अभी। ओके, तो पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, फटाफट शुरू हो जाओ वैल्यू निकालने। पहली वैल्यू मैं निकालूंगा, सेकंड वैल्यू तुम निकालोगे, जिसको आता है फटाफट सेकंड निकाल लो, वरना फर्स्ट मेरे साथ करो। आ जाओ भी फटाफट, पहली की वैल्यू सबसे पहले क्या उठाओगे? 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 - 0। ओके, फिर क्या उठाओगे? 11, पर जब 11 उठाओगे साथ में माइनस रख देना है,
इससे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ 5 × 0 − 0 × 0 = 0। जीरो से फायदा हो रहा है बेटा, जीरो से बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा फिर उठाओगे −1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 15 − 20, तो बेटा वैल्यू क्या आ गई टोटल 5। बिल्कुल सही वाला आंसर आपने 5। अब बेटा ये तो मैंने करना था, तुमने जवाब दिया, मैंने नहीं मांगा था, मुझे तो जवाब चाहिए इसका, इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, देखते हैं कौन पहले करता है फटाफट। सो 2 × 4 − 3, देन 4 लिया माइनस के साथ, 2 − 0 प्लस 6 लिया 1 − 0, तो ये बनेगा 2 − 8 + 6, तो आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। कुछ ने मेरे साथ कर लिया, कुछ अभी कर रहे हैं, 0 इज आंसर, परफेक्टो। कुछ ने −4 निकाल दिया, रीचेक योर कैलकुलेशन बेटा, आंसर इज 0। शाबाश, तो हमें 3/3 भी थोड़ा फास्ट फास्ट कैलकुलेट करना आ गया। देखो पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट बेसिक है जो कि थ्रू आउट चैप्टर चल रहा है, तो आपको इसको ओपन करना बहुत फास्ट आना चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन करनी है, और स्पीड के साथ साथ और क्या मेंटेन करना है कि लाइक दबाते रहो, बिकॉज व्हेन यू हिट द लाइक बटन वी एक्चुअली फील वेरी हैप्पी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, टीचर्स को खुशी होती है जब बच्चे लाइक दबा के ये दिखाते कि हाँ सर हमको समझ आ गया, राइट ओके। अब इसकी प्रैक्टिस करो उसको बेटा, ओपन करो फटाफट, ओपन करो फटाफट, जस्ट ओपन इट अप एंड ट्राई टू रियलाइज की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। ओपन इट अप एंड ट्राई टू रियलाइज की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। लेट अस सी, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 + c² ओके। फिर उठाया a विद नेगेटिव साइन, −a + bc, और फिर उठाया b, −± हो गया ac + b। फटाफट चैट में बता दो, कैन यू सी ये कट के 1 + a² + b² + c² बन रहा है, यस और नो? −abc + abc, ये आपस में कट जाएंगे और बाकी आ रहा है a² b² c². चकते फटे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, छा गए छा गए छा गए, बहुत बढ़िया। तो हमें अब 3/3 अच्छा खासा ओपन करना आ गया। अब एक ट्रिक क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक वाला क्वेश्चन अब आएगा, ट्रिक वाला क्वेश्चन जो कि IIT में आया था बहुत पहले, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पढ़ो पहले फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। इफ दिस इक्वल टू दिस देन वैल्यू ऑफ टी इज, सुनो मेरी बात आराम से। एक तरीका तो क्या है, मैं इसको पूरा एक्सपेंड कर लूं, और क्योंकि मुझे बताया गया कि इसके बराबर है, तो जो यहां पे कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म, वही मेरा टी के बराबर होगा। डू यू ऑल एग्री? वही मेरा टी के बराबर आ जाएगा और वही मेरा आंसर होगा। डू यू ऑल एग्री? फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा तो यही है ना कि अगर ये इसके बराबर है तो टी बताओ, यानी कि इसकी वैल्यू निकालो, जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो आपका टी है। बट इतना कष्ट तो ना करेंगे भैया, ना 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 ना, इतना कष्ट नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं सवाल वैसे भी, पर टी निकालने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ भी है, टी को निकालने के लिए एक जुगाड़ भी है। अब सुनो ध्यान से, जुगाड़ क्या है यार, जब मैं कहता हूं कि दो चीजें बराबर हैं, व्हेन आई से टू थिंग्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि लैम्डा को कुछ भी ले लो ये बराबर रहेंगे, यस और नो? दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल, नो? अगर ये इसके बराबर है, यानी कि लैम्डा को मैं कुछ भी रख दूं ये बराबर ही रहेंगे, तो क्यों ना मैं लैम्डा को कुछ ऐसा रखूं जिसे रखने से टी की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए। कैन यू सी, अगर मैं लैम्डा को 0 पुट कर दूं तो ये वाला पार्ट पूरा 0 बन जाएगा और सिर्फ टी बचेगा, सिर्फ टी बचेगा, और वही तो मुझे चाहिए, वही तो चाहिए मुझे। तो क्या करो, दोनों साइड लैम्डा को 0 पुट कर दो, दोनों साइड पे, ये क्या बन गया बेटा टी, और ये क्या बन गया बेटा
0, minus 1, 3, 1, 2, minus 4, minus 3, 4, 0. और अब ये तो तुम सोए सोए भी ओपन कर दोगे, यस और नो? जस्ट ओपन इट अप, दैट इज योर आंसर. हाउ डिड यू लाइक दिस लॉजिक? आई विल नॉट से शॉर्टकट, इट्स अ लॉजिक जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल है. दोनों बराबर है तो किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए बराबर है, तो क्यों ना लैम्डा को एक ऐसा वैल्यू दे दें जिससे डायरेक्टली वो चीज मिल जाए जो चाहिए. सर अगर उसने मुझे क्यों पूछा होता फिर मैं क्या पुट करता? बेटा फिर कुछ ना पुट कर सकते, फिर तुम्हें ओपन ही करना पड़ेगा, कंपेयर ही करना पड़ेगा, तो ही क्यों मिलेगा. सिर्फ टी के लिए जुगाड़ तुम आराम से लगा सकते हो. शाबाश. अब चलते हैं आगे. माइनर्स एंड कोफैक्टर होता क्या कि डिटर्मिनेंट में अब आपने काफी कुछ सीख लिया, दिखता कैसा है, नोटेशन क्या है, वैल्यू कैसे निकालते हैं. अब हम डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स सीखने लगे हैं, डिटर्मिनेंट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स सीखने लगे हैं. पहले जो टर्म्स डिटर्मिनेंट से जुड़ेंगे वो है माइनर एंड कोफैक्टर. दो डेफिनेशन हैं, डेफिनेशन सीखनी है और कुछ नहीं, राइट? सुनो, माइनर हरेक एलिमेंट का माइनर होता है, हरेक एलिमेंट का माइनर होता है. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि माइनर किस चिड़िया का नाम है, तुम कहोगे यार डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट होते हैं ना उनका माइनर होता है. इसका भी माइनर है, इसका भी माइनर है, इसका भी माइनर है, इसका भी, सबका माइनर होता है. अच्छा, और ये कैसा दिखता है? देखो, माइनर ऑफ ए वन वन, पहली बात तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम वन वन से, कैपिटल एम वन वन से. और डिफाइन कैसे होता है ध्यान से सुनना, तुमको बड़ा फेमिलियर लगेगा, बहुत फेमिलियर लगेगा. इसका माइनर निकाल रहे हो ना, इसका जो रो है उसको हाइड कर दो, इसका जो कॉलम है उसको हाइड कर दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट. डू यू एग्री? ये चीज बड़ी फेमिलियर लग रही है, टेल मी इन द चैट. ये चीज बहुत ही फेमिलियर लग रही है, पीछे भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे थे. दिस इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए वन वन, माइनर ऑफ ए वन वन. अच्छा, तो सर फिर तो अगर मैं इसका माइनर पूछता, माइनर ऑफ ए वन टू, तो मतलब कि उसकी नोटेशन होती कैपिटल एम वन टू, और वैल्यू क्या होती सर? वैल्यू क्या होती? अब तुम जानते हो ना वैल्यू क्या होगी. वेरी गुड, इसका रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट. लो भाई लिख दो, ए टू वन, ए थ्री वन, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री, ये डिटर्मिनेंट, ये माइनर बन गया. अब एक तुम बताओगे, अब मैं पूछूंगा तुम बताओगे, यानी कि मैं लिख दूंगा तुम्हें बताना होगा कि मैंने ठीक लिखा है या गलत लिखा है. आ जाओ सारे फोकस यहां पे करो और पीडीएफ की टेंशन ना लो, तुमको सारे पीडीएफ मिलेंगे, ओके? टेंशन ना लो. मैं तुमसे पूछने लगा हूं माइनर ऑफ ए टू थ्री, यानी कि मैं एम टू थ्री तुमसे पूछने लगा हूं, इसका माइनर. अब तुम सोच के बताना कि मैंने ठीक लिखा है या गलत. मैं दोनों लिख सकता हूं, मैं लिख रहा हूं ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू. बताओ कि ये ठीक है या गलत है, बस जस्ट से ठीक है या गलत. गलत, गलत जवाब, ये आपने गलत जवाब दिया. वेरी गुड, ये गलत है. ये कहां से आ गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गई. बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी नाउ यू हैव अंडरस्टूड. इसका माइनर के लिए क्या करोगे? इसका रो छुपा दो, इसका कॉलम छुपा दो, जो चार चीजें बची उसका डिटरमिनेंट. बहुत बढ़िया, तो यहां पे आना था ए थ्री वन, ए थ्री टू. तो अब तुम हरेक चीज का माइनर निकाल सकते हो, हरेक एलिमेंट का माइनर. सर माइनर तो चमक गया, क्योंकि यही चीज हम पहले भी करते आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे हमने पहले भी किया कुछ. अब आते हैं कोफैक्टर पे, कोफैक्टर पे, कोफैक्टर्स. अगेन जैसे माइनर है ना, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है, सिमिलरली हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होता है. यानी कि कोफैक्टर ऑफ ए वन वन, कोफैक्टर ऑफ ए वन वन, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी वन वन के साथ. हर एक एलिमेंट का
को फैक्टर ऑफ ए वन टू, इसे डिनोट करते हैं सी वन टू के साथ, करते 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 को फैक्टर ऑफ ए थ्री थ्री यानी कि सी थ्री थ्री। हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का को फैक्टर होता है। अब को फैक्टर चीज क्या है? को फैक्टर ना बेटा माइनर का बड़ा भाई है। क्या है? को फैक्टर माइनर का बड़ा भाई है। सर बड़ा भाई का मतलब सुनो, डेफिनेशन ध्यान सुनना। अगर तो ये जो आई जे है, जो यहां पे वन वन है, यहां वन टू है, यहां पे थ्री थ्री है, अगर तो ये आई और जे का सम इवन है, जैसे वन प्लस वन इवन है, थ्री प्लस थ्री इवन है, अगर तो ये इवन है तो इसकी वैल्यू माइनर के बराबर होती है, सेम एज माइनर, कोई फर्क ही नहीं। पर अगर ये ऑड है, जैसे वन प्लस टू क्या होता है थ्री, थ्री क्या होता है ऑड, अगर आई प्लस जे ऑड है तो को फैक्टर जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनर होता है, नेगेटिव ऑफ माइनर। सर क्या यही डेफिनेशन है? हां बेटा, डेफिनेशन तो बेसिकली ये है, बस मैं तुमको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। डेफिनेशन बेटा ये है, को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज माइनस वन रेस टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। डू यू ऑल एग्री? अगर आई प्लस जे इवन हुआ तो ये दोनों बराबर होंगे, अगर आई प्लस जे ऑड हुआ तो ये आपस में यहां माइनस आ जाएगा। डू यू ऑल एग्री? आगे न जा रहे। तो दो डेफिनेशंस थी, बस डेफिनेशन और कुछ नहीं, हमने डेफिनेशन सीख ली। और सीखना बहुत आसान था क्योंकि ये पैटर्न हम पहले से फेमिलियर थे। ठीक है, ओके, तो आगे चलो। सो एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है और हर एक एलिमेंट का को फैक्टर होता है, जो कि इस तरह से मिल जाता है। अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते बेटा, अब माइनर और को फैक्टर सीखे हैं तो इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। गॉड ब्लेस यू अरविंद कालियाज आर्मी। अरे आई प्रेफर अरविंद कालियाज चैंपियन, मुझे चैंपियन वर्ड ज्यादा पसंद है समहाउ। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी चैंपियंस इन योर लाइफ। वो एटीट्यूड ही चैंपियन वाला होना चाहिए कि जो मर्जी सिचुएशन आ जाए मैं इसको क्रैक कर दूंगा, मेरा एफर्ट कभी कम नहीं होगा। ठीक है, वो चैंपियन एटीट्यूड रखना है बेटा, ये एटीट्यूड चैंपियन से आएगा। ठीक, आ जाओ। फाइंड एम टू वन एम थ्री टू। एक मैं करूंगा, एक तुम करोगे। चोरी एम टू वन मैं निकाल रहा हूं बेटा, पहले तो इसका मीनिंग दिमाग में लगाओ क्या था। सर जी ये होता है माइनर ऑफ ए टू वन, तो ए टू वन को पहले तो बेटा हाईलाइट कर लो। ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा ए टू वन, ये रहा ए टू वन। उसके बाद काम बहुत आसान हो गया। अब इसकी रो को छुपा दो, कॉलम को छुपा दो, बचे हुए का डिटर्मिनेंट जीरो थ्री वन नाइन, तो जीरो माइनस थ्री इज द आंसर। तुमने सही किया, बिल्कुल सही किया, छा गए, वेरी गुड, मैं क्या छा गए। अब बेटा दूसरा तुम बताओगे मुझे, एक तुम करोगे। अब लो, अब ये तुम्हारी बारी, तुम मुझे बताओ एम थ्री टू, एम थ्री टू यानी के माइनर ऑफ ए थ्री टू। पहले तो ए थ्री टू को अंडरलाइन में हाईलाइट कर लो, फिर उसका माइनर निकालो। बच्चे कह रहे हैं माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस फाइव, इतनी बड़ी लड़ी लगा दी तो सही जवाब ही होना चाहिए। फिर तो देख लेते हैं भैया, थ्री टू, थ्री टू यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये रहा ए थ्री टू। इसका माइनर पूछा गया है तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे? इसका रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो, वन माइनस सिक्स, बिल्कुल वन थ्री टू वन, तो आंसर आ गया वन माइनस सिक्स माइनस फाइव। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, क्या बात है, टेंथ के बच्चे भी सही जवाब दे रहे हैं, दिल खुश कर दिया शेरा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने पूछा कितने लेक्चर होंगे, बेटा टेंशन ना लो, सब कुछ कवर होगा। डिटर्मिनेंट करीबन थ्री सेशंस लगेंगे बड़े बड़े खत्म करने के लिए। नॉर्मली डिटर्मिनेंट जो है एक घंटे का अगर सेशन किया जाए, एक घंटे का, तो करीबन सात से आठ सेशन लग जाते हैं डिटर्मिनेंट कवर करने में, सात सेशन लगे, सेवन सेशंस। बट हमने स्ट्रेटजी क्या अपनाई, सात सेशन तो यूट्यूब पे बेटा तुम भूल ही जाओगे, दो तीन सेशन के बाद की लगाना था, शेड्यूल मिस हो जाता है। तो तुम्हें डिसिप्लिन रखने के लिए क्या किया गया, सेशन को बड़ा कर दिया गया।
तो दो ढाई घंटे के सेशन होंगे और थ्री सेशन में डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। थ्री सेशन तो लगा लोगे ना कंटिन्यूटी में, टेल मी इन द चैट, इतनी तो रेगुलरिटी मेंटेन कर लोगे। शाबाश, अब बेटा फटाफट करेंगे। मैं कहा फटाफट स्पीड मेंटेन करेंगे। टेल मी इन द चैट, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों पूछे गए हैं, तो पहले मुझे बताओ माइनर ऑफ माइनस थ्री, फटाफट बताओ माइनर ऑफ माइनस थ्री, इसका माइनर बताओ, जस्ट माइनर, ओनली माइनर। उसके बाद फिर कोफैक्टर लिखेंगे। बच्चे कह रहे हैं 33 33 33, ओके 28 प्लस 5 33। अब जरा देखो कि इसका i प्लस j इवन है या ऑड है, इसका i प्लस j इवन है या ऑड। यार ये तो है 1 2 पोजीशन, दिस इज a 1 2, तो a 1 2 1 2 तो ऑड होता है, 1 प्लस 2 इज 3, तो अगर ऑड है तो कोफैक्टर क्या आ जाएगा, माइनर का नेगेटिव, माइनस ऑफ 33। बहुत सही जा रहे हो जवानों, बहुत बढ़िया, यही स्पीड मेंटेन करके रखो। दूसरा बताओ 5 का, माइनर ऑफ 5, 5 का माइनर बताओ, 5 का माइनर। उसके बाद फिर कोफैक्टर लिख लेंगे। बच्चों ने जवाब दे दिया है, यहां थोड़ा मिक्सचर दिख रहा है मुझे 5 के माइनर में, 9 दिख रहा है मैक्सिमम, कुछ बच्चे 11 लिख रहे हैं। चलो देखें 5 का माइनर, भैया रो छुपा दी, कॉलम छुपा दिया, 12 माइनस 3 और 9 है, 11 किसने बोला था, 2 × 6 माइनस, माइनस 3 × −1, तो 12 माइनस 3 9 आया है, बहुत बढ़िया। गड़बड़ कर गए थे कुछ बच्चे वैसे, ध्यान रखो भाई। अब इसका कोफैक्टर, टेल मी इन द चैट कि ये कौन सा एलिमेंट है, ए के चरणों में क्या आएगा, टेल मी इन द चैट चरणों में क्या आएगा, ये एलिमेंट कौन सा है, पोजीशन बताओ इसकी, पोजीशन बताओ, सिर्फ पोजीशन। वेरी गुड, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 पोजीशन है, और 2 प्लस 3 क्या होता है, ऑड, 2 + 3 इज ऑड, ऑड है तो कोफैक्टर आएगा नेगेटिव ऑफ दैट। अब मैं देख रहा हूं तुम आ रहे माइनर और कोफैक्टर सारे हो गए क्लियर, अगर क्लियर हो गए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगले तो तुम अपना कर लोगे फटाफट, माइनर ऑफ −1 7 ये सारे आराम से निकाल सकते हो, तुम अब छा चुके हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, चलो तुम्हारा ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। सवाल पढ़ो, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट, अच्छा तो मुझे M11 निकालना है, M12 निकालना है, M21 निकालना है, M22 निकालना है, फिर C11 निकालना है, C12, C21, C22, हर एक एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। जितने बच्चे बिगिनिंग से देख रहे हैं ना वो बहुत जल्दी अप्रिशिएट करेंगे। ध्यान से देखो, माइनर ऑफ A11, माइनर की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, भैया जिसका माइनर निकालना है उसका रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, −5 का डिटरमिनेंट, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ सिंगल एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं काफी बच्चे बिगनिंग से जुड़े हुए हैं, फटाफट जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बेटा चलो पहले सारे माइनर लिखने, पहले फटाफट पहले सारे माइनर लिख लेते हैं, माइनर ऑफ 2 नाउ। अब मेरे को लगता है तुम्हारी स्पीड बन चुकी है, सीधे लिखते हैं 2 का माइनर क्या आएगा, 6, 6 का माइनर क्या आएगा, 2, 5 का माइनर क्या आएगा, ओ यार मैं दो बार क्यों लिख रहा हूं भाई, सॉरी माय बैड, ओहो मैं सॉरी बेटा, सॉरी मैं मिक्स कर गया, मैं ठीक कर दूं इसको जरा, ओहो बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं, माइनर ऑफ 2 इज डिटरमिनेंट ऑफ 6, माइनर ऑफ 6 इज डिटरमिनेंट ऑफ 2,
minor of minus 5 is determinant of 3. Okay. अब तुम मुझे कोफैक्टर बताओ. कोफैक्टर यहां पे सेम आएगा या नेगेटिव आएगा? टेल मी द चैट. सेम आएगा या चेंज हो जाएगा साइन? यहां पे साइन चेंज होगा या सेम रहेगा पहले में? जस्ट से सेम और चेंज. सेम सर जी. आई प्लस जे इवन है तो सेम ही रहेगा. सर जी आई प्लस जे ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा. सर जी आई प्लस जे ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा. सर जी आई प्लस जे इवन है, इवन है तो सेम ही रहेगा. ले भैया, तो ये माइनर कोफैक्टर अब किस खेत की मूली है हमको पता लग गया. और बहुत ही घटिया है, छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज, बिल्कुल पिद्दी सी चीज. ठीक. अब तुम्हें करना क्या बेटा, ये एक सवाल दिया मैंने, सिंपल दो इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है. दो इक्वेशन बनानी है प्यारी प्यारी से और सॉल्व कर देना है. कहता है ये एक डिटर्मिनेंट है, यहां पे दो अननोन बैठे हुए हैं, आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है. कहता है एक्स वाई बता दो. आओ बेटा फटाफट निकालेंगे. पहले बेटा C31 लिखो. C31 की वैल्यू 8 दी गई है. C31 बेटा 3+1 इवन है तो C31 जो है वो माइनर के बराबर ही आएगा. फटाफट 3-1 एलिमेंट का माइनर बता दो. फटाफट 3-1 एलिमेंट, 3-1 एलिमेंट का माइनर बता दो. 3-1 एलिमेंट का माइनर बता दो. सर जी 5y-12, डू यू ऑल एग्री कि ये बन गया? यहां से बच्चे आंसर दे रहे थे, मैं आंसर नहीं पूछ रहा था, बस मैं माइनर पूछ रहा था. वेरी गुड. ओह वेरी गुड. अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे आ जाओ. C32 इज -14. C32, अब ध्यान से सुनो. C32 एलिमेंट कौन सा है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये वाला. तुम्हें इसका माइनर लिखना है और जो भी इसका माइनर आएगा उसके बाहर माइनस लगा देना है. समझ आता है? अबे 3+2 ऑड है तो ये कोफैक्टर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर. तो भैया 2 का माइनर लिखो फटाफट. 2 का माइनर, रो छुपाई कॉलम छुपाया. एक्स वाई प्लस 6. मैं कहा छा गए. टेल मी द चैट, नजारा आ गया? मैं कहा सब चैट बता दो, नजारे आ गए? और अब ये दो इक्वेशन तो तुम सोए सोए भी कर दोगे यार. वाई मेरा यहां से आया 20/5, 4. इसको यहां पुट किया तो एक्स भी आ गया. बी केयरफुल, ये बाहर माइनस आएगा. क्यों? कोफैक्टर 3+2 ऑड है तो नेगेटिव ऑफ माइनर, नेगेटिव ऑफ माइनर. छा गए तो कट कट. सो बेटा मैंने देख लिया तुम्हारे माइनर और कोफैक्टर तो एंड कैंट हो गया. अब माइनर कोफैक्टर तुमको नहीं डरा सकते, डरा ही नहीं सकते, दूर दराज तक नहीं डरा सकते. वाई 4 है और एक्स जैसा कि तुमने बोला 2 है, बिल्कुल 2 है. यस आकाश, ये लॉन्ग ट्रैक बैच शुरू हुआ है 12th क्लास बच्चों का जो 12th में भी हुए हैं. और मैंने कहा माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छी स्पीड से सीख रहे हैं. बेटा ये तुम याद भी कर सकते हो. सर ये क्या लिखा है? पढ़ो क्या लिखा, पता लग जाएगा यार. शाबाश, हौसला बुलंद. मैं क्या फटे चुक देने हैं. कितने जने लॉजिकली देख पा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है? टेल मी इन द चैट. मैंने एक तरह से यह लिख दिया कि कहां पे कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है और कहां पे कोफैक्टर माइनर के माइनस के बराबर होता है. देखो ये रहा ऑड, ये रहा ऑड, यहां पे आई प्लस जे ऑड, यहां पे आई प्लस जे ऑड. इन चार जगह पे आई प्लस जे ऑड है तो यहां यहां पे जो कोफैक्टर है वो माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा, माइनर के नेगेटिव के बराबर होगा. और बाकी जगह पे आई प्लस जे इवन है
तो वहां वहां पे को फैक्टर माइनर के बराबर होगा. एंड पैटर्न बहुत अच्छा है. कैन यू सी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चल रहा है. ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चल रहा है. ठीक है, तो ऐसे अगर याद कर लो तो कुछ जगह पे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है या कह लो कि टाइम बच जाता है, गलती नहीं होती. अदरवाइज टाइम लगता होगी, बात नहीं. एक बच्चे ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा, सर माइनर तो बता दिया आपने, मेजर क्या होता है? मेजर कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, सिर्फ माइनर और क्या कहते हैं ये, व्हाट डू कॉल दैट, को फैक्टर, दो ही टर्म्स होती हैं. ठीक है, मेजर कुछ नहीं होता. ओके नाइस, बिल्कुल दिव्यम. ये देखो, अब ये आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट. इसकी वजह से ही हमने को फैक्टर सीखा है. नाउ यू आर गोइंग टू गेट द एक्चुअल डेफिनेशन बिहाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ यू आर गोइंग टू गेट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन द टर्म्स ऑफ को फैक्टर. अब मैं तुमको बहुत तकड़े कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूं, ध्यान सुनना. आपने यही वैल्यू लिखी थी डिटर्मिनेंट की बिगिनिंग में, फटाफट देखो, बिगिनिंग में डिटर्मिनेंट की यही वैल्यू लिखी थी ना जब शुरू किया हमने. चैट में मुझे ना बड़ा जोर से बताना, अगर मैं तुमको C11 पूछूं, C12 पूछूं और C13 पूछूं, डू यू ऑल एग्री कि ये तीन वैल्यूज यहां पे लिखी हुई है? टेल मी इन द चैट या सुनो, फटाफट जाओ. ये तीनों वैल्यूज यहां लिखी हुई है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अरे हां सर, अगर हम बात करें, ये वाला डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं C11 है. अभी हम कोफैक्टर लिख रहे हो. डू यू ऑल एग्री माइनस ऑफ दिस इज C12? टेल मी इन द चैट यस ऑर नो. माइनस ऑफ दिस इज C12. तो सेकंड टर्म कुछ और नहीं, ये बन जाएगी. चैट में मैं क्या आग लगा दो, समझ आ गया अगर. चैट में आग लगा दो, समझ आ गया अगर. माइनस ऑफ दिस C12 बन जाएगा, देयरफॉर प्लस A12 C12. बहुत बढ़िया. और ये क्या है, A13 के साथ C13 है. तो कितने जने ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बड़े प्यार से कि बेसिकली एलिमेंट्स को फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अपने ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया और ऐड किया गया है. एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, अगले एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, अगले एलिमेंट को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया और ऐड कर दिया गया, और कुछ नहीं किया गया. यस अजीत साहू, 100%, बहुत बढ़िया. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. यू पिक एनी रो, अप्लाई दिस प्रोसीजर. यानी कि एलिमेंट को अपने ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. एनी रो मींस एनी रो. यू कुड हैव डन इट विद सेकंड रो एज वेल. यानी कि आप A21 को मल्टीप्लाई करो उसी के को फैक्टर के साथ, फिर A22 को मल्टीप्लाई करो उसी के को फैक्टर के साथ, और फिर A23 को मल्टीप्लाई करो उसी के को फैक्टर के साथ, इसको ऐड कर दो. यू विल गेट सेम वैल्यू विच इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. यू पिक एनी कॉलम. से यू पिक फर्स्ट कॉलम. एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो उसी के को फैक्टर के साथ, अगले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो उसी के को फैक्टर के साथ, अगले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो उसी के को फैक्टर के साथ, इसको ऐड कर दो. जो ये वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू है.
ये सारे सेम ही आएंगे, ये सारे सेम ही आएंगे. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन है, ऐसा होगा. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट. अब इसको बड़े प्रेम भाव से धीरे धीरे पढ़ो, बड़े प्रेम भाव से धीरे धीरे पढ़ो. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी कि अपने ही कोफैक्टर के साथ, इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. कोई भी एक रो या कॉलम पकड़ो, एलिमेंट्स को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यू विल गेट सेम वैल्यू एंड दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ दिस इज द डेफिनेशन, टेक इट एज सच. सर अगर हम थोड़ी शैतानी करते, अब सुनो, शैतानी पे आ रहा हूं. अगर मैं थोड़ी शैतानी करता सर और मैंने ये करता, सुनो अब मैं शैतानी कर रहा हूं, ध्यान सुनना, एक शैतानी पे आ रहे हैं अब. सर मैं ना शैतानी करता हूं, मैं एलिमेंट्स तो ले लेता हूं फर्स्ट रो से, थोड़ी जगह बना ले, कहां यहां लिख देते हैं. ओके सर मैं एलिमेंट्स तो पकड़ता हूं फर्स्ट रो के, पर उनको ना मल्टीप्लाई करता हूं सेकंड रो वाले कोफैक्टर के साथ. अब मैं शैतानी कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने एलिमेंट्स तो पकड़ लिया फर्स्ट रो के, पर अब ना इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया सी टू वन. गेम खेल रहे हो, क्या कर रहा हूं मैं? ओके फिर एलिमेंट तो पकड़ा फर्स्ट रो का, पर मल्टीप्लाई किया नीचे वाले के कोफैक्टर के साथ. फिर एलिमेंट तो पकड़ा ये वाला, पर मल्टीप्लाई किया इसके कोफैक्टर के साथ और फिर ऐड किया. सर अब कुछ अच्छा मिलेगा क्या? जब भी तुम एलिमेंट को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. बट अगर एलिमेंट तुमने लिए अलग रो के और मल्टीप्लाई किया कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ अदर रो, तो ये वैल्यू हमेशा हमेशा जीरो होगी. इसको तुमने एज अ रिमार्क दिमाग में रखना है, इसको प्रूफ नहीं करना है. ओके यू कैन से लिटिल बियॉन्ड द स्कोप, आपने बट इसको दिमाग में रखना है. ये ऑब्जर्वेशन बहुत प्यारे तरीके से काम आएगी एक जगह पे जाके, बहुत प्यारे तरीके से काम आएगी. और ये हमेशा है, आप कोई भी एक रो पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो कोफैक्टर ऑफ अदर रो के साथ, सम जीरो होगा. कोई भी एक कॉलम पकड़ो, मल्टीप्लाई कर दो कोफैक्टर ऑफ अदर कॉलम, सम हमेशा जीरो होगा. इसको एज एन ऑब्जर्वेशन आपने दिमाग में रखना है, जब एक सही जगह पर इसका यूज आएगा ना, तो तुम उसको अप्रिशिएट करोगे और वो यूज आएगा. ठीक, तो हमने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया, फॉर्मल डेफिनेशन सीख ली, अच्छे खासे रिमार्क सीख लिए. अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टोटल करीबन 7 प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जिनमें से कुछ हम आज करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज कल करेंगे. कल मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन है, राइट? तो मैंने कहा एक बड़ी स्टेमिना चेक करते हैं, जैसे कि तुम्हारे मोगैम्बो सर कहते हैं चैट में लिख दो इज द स्टेमिना हाई, फटाफट शुरू करें प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब डिटर्मिनेंट तो आसान हो गया ना यार, वैल्यू तो निकालनी आ गई, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज सीखे, देखकर से प्रॉपर्टी करती क्या है. हम कहते हैं कि प्रॉपर्टीज एक बहुत मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, ऐसा क्या करती है प्रॉपर्टी? वैल्यू निकालना तो बहुत आसान था, माइनर कोफैक्टर तो बड़े आसान थे, ये तो सब सीख लिए, तो प्रॉपर्टीज में क्या है देखे सही. वेरी गुड, ये रहा एनर्जी वाला लेवल, बहुत बढ़िया. अब सुनो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या करती हैं, यूज क्या होना है, सुनो मेरी बात. मैं तुम्हें पहले ये बता रहा हूं व्हाट प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट, व्हाट प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट. A1, B1, C1, D1. मैंने एक 2x2 का एग्जांपल लिया, ठीक है. मैं ना इस डिटर्मिनेंट में कुछ चेंजेस कर रहा हूं और एक अलग डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, ध्यान सुनना, डिटर्मिनेंट में कुछ चेंजेस करके एक नया डिटर्मिनेंट बना रहा हूं. ओके मैंने क्या किया, पहले कॉलम को पहला रो बना दिया,
सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया, तो ये एक नया डिटरमिनेंट बन गया। क्यों बना, कैसा बना, सब बताता हूं। अच्छा, एक और चेंज कर रहा हूं बेटा। मैंने क्या किया, इसके ना फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a1 2b1 सेकंड को नहीं किया, चलो ऐसे रखते हैं, c1 d1। ये एक नया डिटरमिनेंट बन गया, ये एक नया डिटरमिनेंट बन गया। क्यों बना, क्या बना, सब बताता हूं, वेट करो, लास्ट एग्जांपल, फिर मैं सब भेद खोल रहा हूं इसके। मैंने क्या किया, मैंने ना ये जो दो ये सेकंड कॉलम के टर्म्स थे इनको ना 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, a1 प्लस 5 टाइम b1, c1 प्लस 5 टाइम d1। समझ रहे हो क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दिया और यहां पे सेम रखा, यहां पे कोई चेंज नहीं किया। ऐसे तुम एक चीज देख पा रहे हो, मैं इस डिटरमिनेंट में कुछ कुछ चेंजेस करके नए नए डिटरमिनेंट बना रहा हूं। ये सारे अलग अलग है, सारे अलग अलग है बेटा, सारे अलग अलग। अगर ये डेल्टा 1 है, इसको कुछ डेल्टा 2 कह देते हैं, इसको डेल्टा 3 कह देते हैं, इसको कुछ डेल्टा 4 कह देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हम ये पढ़ते हैं कि वो कौन से चेंजेस हैं जो करने से मैं नई वैल्यू पे कमेंट कर सकता हूं। सुनो ध्यान से, वो कौन से चेंजेस हैं जिन्हें करने से मैं नई वैल्यू पे कमेंट कर सकता हूं। जैसे कि अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 सेम होते हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 सेम होते हैं। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डेल्टा 3 जो है ना, इसकी वैल्यू डेल्टा 1 से डबल आएगी। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि डेल्टा 4 जो है ना, वो डेल्टा 1 के बराबर है। तो पहले तो मुझे चैट में बताओ, प्रॉपर्टीज में पढ़ने क्या वाले हैं, ये क्लियर हुआ? ऐसे कौन से चेंजेस हैं डिटरमिनेंट में जो अगर हम करें तो हम बता पाए कि नए वाले की वैल्यू कैसी है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये मैंने कुछ 3-4 चेंजेस लिखे हैं, टोटल 6-7 चेंजेस होते हैं, तो बस वो सीखने हैं। उनमें से कुछ आ सीखेंगे, कुछ अगली क्लास में। तो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तुम स्टेटमेंट पढ़ो, तुमको स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जानी है। अब तुमको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आ जाना है, पढ़ो फटाफट, तुम सारे चैंपियन बन चुके हो अब ऑलरेडी। इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स सेम इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। बहुत बच्चे ना रो कॉलम इंटरचेंज में कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कुछ नहीं मतलब होता, इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दो, जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बना दो, जो थर्ड कॉलम है उसको थर्ड रो बना दो। ये जो नया डिटरमिनेंट बना, ये अलग डिटरमिनेंट है और ये अलग डिटरमिनेंट है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ऐसा चेंज करके जो नया डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू पुराने के बराबर ही रहती है, उसकी वैल्यू पुराने के बराबर ही रहती है। इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा प्रूफ का आइडिया दूं, पहले प्रॉपर्टी समझ की प्रॉपर्टी है क्या, ये चमक गई, फटाफट चैट में बता दो प्रॉपर्टी है क्या, ये समझ गए। इसका प्रूफ बड़ा ही प्यारा है, प्रूफ देखने मजा आएगा और लाइक करना मत भूलना। जैसे कि मुगैम्बो कहता है, मेमोरीज ऑफ यू नो योर फिंगर्स, दिमाग में रखा करो, लाइक करते रहो, दिल बड़ा खुश होता है। और नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुमको एवरीथिंग विल बी टॉट हेयर इन डिटेल और तुम्हारी पूरी तैयारी कराई जाएगी एट मोस्ट हाईएस्ट लेवल तक। बहुत बढ़िया, आई शाबाश। इससे पहले कि मैं प्रूव करूं, पहली बात, इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ डेल्टा। ये जो हम इसकी रोज इंटरचेंज करके, रोज कॉलम इंटरचेंज करके जो नया डिटरमिनेंट बनाते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोज। तो अगर कभी भी तुमको मैं डिटरमिनेंट दे दूं और बोलूं इसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब पहले कॉलम को पहला रो बना दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज।
और हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन भी होती है। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा की पावर में टी लगा के या फिर डेल्टा की पावर में डैश लगा के, जस्ट नोटेशन। अब बात होती है सर, चलो याद तो होगी, समझ भी आ गई, छोटी सी प्रॉपर्टी है, क्या इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं? बेटा इतने प्यार से प्रूव कर सकते हो कि मजाक नहीं, मतलब बहुत ही प्यार से प्रूफ, ओरली प्रूव कर दोगे तुम, और उस प्रूफ के बाद तुम कहोगे साहब एग्जांपल की भी जरूरत नहीं है, इतना घटिया हो जाएगा। आओ तुम्हें प्यारा सा प्रूफ दूं। बेटा कुछ ना करो, पहले डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से ओपन कर दो, शाबाश करो, इसको ओपन कर दो फर्स्ट रो से, ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, फिर माइनस बी वन ए टू सी थ्री माइनस सी टू ए थ्री, एंड सिमिलरली लास्ट टर्म सी वन इंटू दिस। फर्स्ट रो से ओपन करना सबको आता है, कोई डाउट ही नहीं किसी को। चैट में फटाफट बोल दो कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि अगर इसको मैं फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलने वाली है। देखो ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, को फैक्टर के साइन याद है ना, प्लस माइनस प्लस, यहां फिर से माइनस आएगा, तो माइनस बी वन इंटू बी वन का माइनस ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, सी वन के साथ क्या आएगा प्लस, को फैक्टर के साइन सबको याद है ना, यहां प्लस माइनस प्लस था, तो ये प्लस के साथ आया, ये माइनस के साथ आया, और ये प्लस के साथ, प्लस सी वन एग्जैक्टली से। तुम कोई भी रो कॉलम पकड़ लो, ऑल्टरनेट चल रहे हैं प्लस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया, आगे नहीं जा रहे, देख लो बिल्कुल सेम टू सेम, सेम टू सेम, कितना प्यारा प्रूफ है, कितना प्यारा प्रूफ है, ओह शाबाश। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अच्छा ये बहुत बिगनिंग की दो तीन प्रॉपर्टी बहुत छोटी छोटी हैं, इनके इंडिपेंडेंट सवाल नहीं बनते, ये जगह जगह पे यूज होंगी, तो अभी तक के लिए आप दिमाग में रखो, जब यूज होनी शुरू होंगी देन यू विल सी, अच्छा हाँ ऑब्वियस आ यूज है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पढ़ो, फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़ो, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, तुम्हें आधा तो वहीं से दिख जाएगा कि प्रॉपर्टी क्या कहती है, आधा तो वहीं से दिख जाएगा, टण और मैं क्या टण, शाबाश। ये मैंने तीन डिटर्मिनेंट लिखे हैं, तुम इनमें एक पैटर्न देख पा रहे होगे, उस पैटर्न को देखो और प्रॉपर्टी को देखो, आधा तो क्लियर वहीं से हो जाएगा, शाबाश। देखो जरा, लेट मी कॉल दिस एज डेल्टा वन, दिस एज डेल्टा टू एंड दिस एज डेल्टा थ्री। मैं क्या कर रहा हूं, कहीं ना कहीं रोज को इंटरचेंज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं रोज को इंटरचेंज कर रहा हूं। ओके देवम, आई टेक केयर ऑफ दैट। ये एक डिटर्मिनेंट था, इसकी पहली दो रोज को इंटरचेंज किया, डेल्टा टू बन गया, एक नया डिटर्मिनेंट बन गया, गॉड ब्लेस यू आर्यन। ये कर एक डिटर्मिनेंट है, इसमें मैंने फर्दर इन दो रोज को इंटरचेंज किया, ये बन गया, सर्टेनली डिफरेंट डिफरेंट डिटर्मिनेंट बनते जा रहे हैं जब मैं रोज को इंटरचेंज कर रहा हूं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी तुम किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हो, किन्हीं दो रोज को इंटरचेंज करते हो, नया वाला डिटर्मिनेंट जो है वो पिछले का नेगेटिव होता है। तो जरा मुझे चैट में बता दो, डू यू एग्री डेल्टा टू जो है माइनस ऑफ डेल्टा वन के बराबर आएगा? अगर प्रॉपर्टी देखूं, मैं प्रूफ अभी नहीं जा रहा, प्रूफ करवाऊंगा, प्रूफ पे नहीं गया मैं, बट प्रॉपर्टी ये कहती है, डू यू ऑल एग्री? इफ यू एग्री, मैंने कहा चैट में बता दो मेरे को फटाफट, कोई दो रो इंटरचेंज करोगे तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो पिछले का नेगेटिव होगा, बहुत बढ़िया, बड़ी बेसिक। अच्छा तो मुझे बताओ डेल्टा टू डेल्टा थ्री के बारे में क्या कह सकते हैं, कहना इसे कि ये माइनस ऑफ डेल्टा टू है। अब इन दोनों को देखो, उसको छोड़ दो भाड़ में, क्या इन दोनों को देखो, येलो और रेड, इन दो रोज को इंटरचेंज किया तो ये बना है, तो ये इसका नेगेटिव है। सो पॉइंट इज, व्हेनेवर यू इंटरचेंज एनी टू रोज,
जो नया वाला डिटरमिनेंट है पिछले का नेगेटिव होगा। अब आएगा मजा, चैट में लिख देना हैशटैग VLOP इफ यू ऑल एग्री कि सर इसका मतलब अगर मैं किसी भी डिटरमिनेंट में दो बार इंटरचेंज करूं, एक इंटरचेंज किया फिर इंटरचेंज किया, तो ये वाला और आखिरी वाला आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो बार माइनस आएगा और वो तो आपस में कट जाएगा, दो बार माइनस आएगा वो कट जाएगा, मानते हो? वेरी गुड दिव्यांग, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हैशटैग VLOP हो गया। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ज्यादा मजा आएगा। कितने बच्चे ऐसे भी देख पा रहे हैं कि डेल्टा वन से डेल्टा थ्री जाना इज सेम एज कि आपकी ये जो रो थी ना पहले वाली, उसने इन दोनों के ऊपर से जंप मारी और नीचे आ गई। देखो जरा, डेल्टा वन से डेल्टा थ्री जाना मतलब पहली रो ने इन दोनों के ऊपर से जंप मारी और सबसे नीचे आ गई, कह सकता हूं ना? बस तरीका है, इंग्लिश बोल दी मैंने, yes. तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वेन एवर अ रो जंप्स ओवर टू रोज वैल्यू विल रिमेन सेम। वेन एवर अ रो जंप्स ओवर ओनली वन रो, जैसे कि ये देखो, ये सिर्फ एक जंप लेके यहां पे आई थी, तो वैल्यू बिकम्स नेगेटिव। तो यहां पे जंप वाला कंसेप्ट जो है वो इजी रहता है याद करना, तो बस ये देखो कि कितने जंप्स लिए हैं। अगर एक के ऊपर से जंप लिया तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, दो के ऊपर से जंप लिया तो वैल्यू सेम आ जाएगी मुड़कर। एंड नॉट टू मेंशन सेम थिंग इज ट्रू फॉर कॉलम एज वेल, शाबाश। ऐसे लिखते हैं इसको अगर फॉर्मली लिखना हो, राइट, RIRJ इंटरचेंज। तो अगर मुझे बताना कि डेल्टा वन से डेल्टा टू कैसे गया हूं, तो मैं लिखूंगा कि यहां से यहां जाने के लिए मैंने क्या किया है, रो वन और रो टू को इंटरचेंज किया है। लिखने का तरीका है, लिखना हो अगर, क्योंकि स्कूल में आप इंग्लिश लिखोगे तो शायद वो एक्सेप्ट ना करें, तो मैथ में लिख देना रो वन रो टू इंटरचेंज। ओके, बहुत बढ़िया, मैं कह ये तो नजारा ही आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कुछ सवालों में ना बीच बीच में बहुत प्यारे तरीके से काम आएगी, बहुत ही प्यारे तरीके से। पहले प्रॉपर्टी पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो, बहुत घटिया प्रॉपर्टी है, बहुत ही घटिया, एक्सट्रीमली घटिया। जब तक तुम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तब तक मैं पानी पी लूं। और मैं ये बता दूं, बच्चे अगर 11वीं का पूछ रहे हैं, जो बच्चे अभी 11वीं में आ रहे हैं, बेटा लेट मी टेल यू, क्योंकि तुम्हारे 10th के एग्जाम थोड़े अभी दूर है, तो क्या किया जा रहा है इस चैनल पे, वेदांतु जेई चैनल पे, नेक्स्ट वीक से आपके लिए फाउंडेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें कि 11 के जो बिगिनिंग टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसी चीजें जो 10th से जुड़ी होती हैं, उनका बेस बनाना शुरू किया जाएगा, सो दैट जब आपका 11th का फॉर्मल सीरीज शुरू हो जाए, तुम पूरी स्ट्रेंथ के साथ शुरू कर पाओ, तुम्हारे मन में ये आए ही नहीं, यार काश मैंने पुराने कंसेप्ट स्ट्रांग कर लिए होते, काश मैंने भी बाकी बच्चों की तरह अर्ली प्रेपरेशन शुरू कर दी होती। तो 11th के बच्चों तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा अभी एग्जैक्ट 11th का सीरीज शुरू हुआ, तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के बाद अभी तुम्हारा फाउंडेशन शुरू हो जाएगा। मैं कहा चकते फटे नहीं आ रहे आगे, तो मैं कहा फिर शुरू करते हैं आगे, आ जाओ। कहता कि इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, मतलब समझो, और यार अगर तो ना कोई दो रो सेम हो गए, दो रो सेम, वैल्यू विल बी जीरो। प्रूफ बहुत आसान है यार, ओपन कर दो, जस्ट ओपन इट अप, पी के साथ क्या आएगा, YZ - YZ, खत्म हो जाएगा जीरो। माइनस क्यू के साथ क्या आएगा, XZ, खत्म होगी वैल्यू जीरो। आर के साथ क्या आएगा, XY - XY, खत्म होगी जीरो, खत्म। अब आता है सेकेंड पार्ट, यहां पे ध्यान से देखो, सेकंड जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम का मल्टीपल है, यस और नो? सेकंड कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम। जयेश, आई एक्चुअली फील लिटिल बैड इफ यू आर माय स्टूडेंट,
आई एक्चुअली फील लिटल बैड इफ यू आर माई स्टूडेंट, बिकॉज मेरे बच्चों के जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यू सिस्टम बहुत हाई हैं. दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, दे आर ऑलवेज हैप्पी, दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड. बट जो स्टेटमेंट आपने भी लिखी उससे मेरा थोड़ा दिल दुखा मेरा. तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ना ही बताना आप मुझे कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, बिकॉज आई डोंट सी दैट एटीट्यूड इन माई स्टूडेंट्स. आई ऑलवेज सी पॉजिटिविटी इन माई स्टूडेंट्स. ठीक है. सो अगर आपने मतलब आई होप कि आप वो लिखना चाहते नहीं हैं शायद, मुझे नहीं पता आपने किस फीलिंग के अंदर आके लिखा. सो डोंट डू दैट. ठीक है. लेट अस ऑल ट्राई टू अपलिफ्ट द सोसाइटी इन द वे वी कैन. तुम्हारी अपनी कैपेसिटी है, तुम भी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करो कि आप अपनी सराउंडिंग्स को अपलिफ्ट कर पाओ, दोस्तों की हेल्प कर पाओ. तुम मोटिवेटेड हो, अपने दोस्त को मोटिवेट कर पाओ. राइट. मेरी कैपेसिटी क्या है पढ़ाना. मैं पेड प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, और हर जगह मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं पढ़ा सकूँ, जितना बच्चों को अपलिफ्ट कर सकूँ मैं करूँ. ठीक है. तो तुम भी इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करो. ठीक है. और नेवर एवर कंपेयर यूट्यूब विद पेड प्लेटफॉर्म. नेवर एवर कंपेयर. दोनों के अपने फायदे हैं अपने नुकसान है बेटा. दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान. ठीक है. और इस बारे में मैं कभी बात करना नहीं चाहूंगा कि क्या फायदे क्या नुकसान है. क्यों? Why to bring that judgment in your mind? तुमने सीखना है. तुम्हारा सिंपल पर्पस सीखना है. जहां से सीख पा रहे हो सीखो. तुम्हें लगता है तुम YouTube से पूरा सीख पा रहे हो, सीखो. Do not pay anything to anybody. Anybody. I am telling you right now. तुम्हें लगता है तुम्हें पेड प्लेटफॉर्म की जरूरत है, पे फॉर इट, लर्न फ्रॉम देयर. कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा यहां पे. बात सीखने की है, बात सीखने की है. जहां सीख पाते हो वहां सीखो. और हर बच्चे का अपना तरीका है सीखने का. एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक वन भी मारता है और एक बच्चा क्लियर भी नहीं करता जेई को. तुम कुछ नहीं कह सकते कि उसने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहां से पढ़ा, यूट्यूब पढ़ा, पेड पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता. जिसने पढ़ना है वो पढ़ता है. वो YouTube से भी पढ़ लेगा, वो पेड से भी पढ़ लेगा. जिसने नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा. तुम क्या कर सकते हो? शायद जो नहीं पढ़ता उसकी मदद कर सकते हो, बस और कुछ नहीं. और जो पढ़ता है उसे सीख सकते हो. दैट्स इट. ओके. सो नेवर ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. नाउ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दिल पर चुप जाती हैं, तो डोंट डू दैट. मुझे अपने बच्चों में एक ही फीलिंग चाहिए, वो है पॉजिटिविटी, सीखने की, मजा करने की. उस लर्निंग प्रोसीजर में मजा करो. जो सीख रहे हो उसको सीखने में मजा करो. सीखते जाओ. डोंट बी जजमेंटल. क्या इस तुम्हारी उम्र क्या भी हुई है, 16-17 साल के बच्चे नहीं हो, जजमेंट पे आ गए हो. बड़ा दुनिया बहुत बड़ी है ना, मतलब बहुत बड़ी है दुनिया. अभी तुम कुछ भी नहीं हो अभी. राइट. बनो पहले कुछ. बनाओ अपनी एक औकात, बनाओ एक रिस्पेक्ट बनाओ. फिर हम डिस्कशन करेंगे, जरूर करेंगे तुम्हारे साथ. ठीक है. गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा. पढ़ने पर फोकस करो बस. ठीक है. कोई जजमेंटल नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे. आ जाओ यहाँ पे. सो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक रो या कॉलम दूसरे का मल्टीपल है तो भी वैल्यू जीरो. कॉलम मल्टीपल ऑफ कॉलम या फिर रो मल्टीपल ऑफ रो तो भी वैल्यू जीरो. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. सो एक बड़ा ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है और आराम से प्रूव हो जाता है. ये तो आप ओपन करके प्रूव कर दोगे जनरल. इसके लिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहां से आपको देख जाएगा कि ये इजिली प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल प्रूव दिस थिंग डायरेक्टली. तो चलो एक प्रॉपर्टी देखते हैं. अब बेटा ये कह लो कि यहां से मेजर प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही हैं. यहां से अब मेजर प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही हैं. यस ही सेकंड थर्ड रो अगर सेम है तो भी वैल्यू जीरो. परफेक्ट. कोई दो रो सेम, कोई दो कॉलम सेम, वैल्यू जीरो. रो विद रो, कॉलम विद कॉलम. रो विद कॉलम मत देखने लग पड़ना. ओके. यस वेक्टर आ जाओ. जिसको थोड़ा बहुत डिटेलिंग चाहिए कि यह कोर्स कैसे चलने वाला है, प्लीज कल सूरी सर ने सेशन लिया था वेदांतु जेई इलीट लाइव का लॉन्च. कल ही सेशन लिया रात को 8 बजे. प्लीज उसको देख लो, छोटा सा है एंड उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा. बेटा ये रही पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह लो, जिस पर बहुत सवाल बनने हैं जो बहुत यूज होगी. पहले प्रॉपर्टी पढ़ो फिर मैं तुमको मतलब समझाता हूं. पढ़ो प्रॉपर्टी. छोटा एग्जांपल लेते हैं, समझ आसानी से आएगा. पढ़ लो फटाफट प्रॉपर्टी. पढ़ के थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी नहीं आएगी टेंशन मत लो. या मैं ए टू बी टू ले लेता हूं और तेरी ये क्या है. ओ सॉरी. ओके. हाँ मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुमको वह प्रॉपर्टी आराम से समझ आए. दूसरा लिख लेते हैं ग्रीन से.
2a 2b c d, और तीसरा लिख लेते हैं। बच्चे कह रहे थे सर रेड थोड़ा दिख नहीं रहा, तो येलो ले लेते हैं, डार्क येलो। तीसरा लिख लेते हैं ये a 2b c 2d। जरा इनको देखो, जरा इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, पैटर्न दिख रहा होगा। देखो जरा, मैं इसको डेल्टा वन कह देता हूं, इसको डेल्टा टू और इसको डेल्टा थ्री। ये तीन डिटर्मिनेंट लिखे हैं और तुमको इनमें कहीं ना कहीं पैटर्न दिख रहा होगा। हाँ सर, डेल्टा टू में कुछ और नहीं है, पहली रो का डबल कर दिया गया है। डेल्टा थ्री कुछ और नहीं है, पहले नहीं, दूसरे कॉलम का डबल कर दिया गया है। अब प्रॉपर्टी देखो, और प्रॉपर्टी कहती क्या है, अगर कोई एक रो ऐसा मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू जो है वो भी उतना ही मल्टीपल होगा। डेल्टा टू इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा वन। यहां पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मैट्रिसेस पढ़ा होगा, वो यहां कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, प्लीज डू नॉट डू दैट। मैट्रिसेस पूरा अलग है, डिटरमिनेंट पूरा अलग है, मिक्स नहीं करना। तो जिसने आपने थोड़ा बहुत मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है, यहां पे कंपेयर नहीं करना, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, सब कुछ अलग अलग है। ओके, बहुत बढ़िया। नो दिव्यम, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, बाकी बची प्रॉपर्टीज अगले सेशन में करेंगे, और फिर डिटरमिनेंट का सेशन का एंड होगा थर्ड सेशन में। टोटल डिटरमिनेंट विल टेक 3 सेशंस ऑफ 2 आवर प्लस ड्यूरेशन टू फिनिश इट थॉरली। अच्छा, ये क्लियर। और डेल्टा 3 जो है वो भी 2 टाइम डेल्टा 1 है। पहले तो प्रॉपर्टी का मीनिंग इतना समझ आ गया, मीनिंग समझ आ गया, प्रूफ इंटरप्रिटेशन सब देखेंगे। डेल्टा 2 डेल्टा 3 बराबर है, बिल्कुल, क्योंकि ये भी ऐसा है वो भी ऐसा। अच्छा, प्रॉपर्टी समझ आ गई, यानी के अब मैं थोड़ा उस एंगल पे जा रहा हूं कि इसका यूज कैसे होगा। आ जाओ बेटा, अब यूज देखो। अब ना बेटा ध्यान से देखना, डेल्टा 2 जो है डेल्टा 1 का डबल है, यानी के मैं ना फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकता हूं। डू यू ऑल एग्री? फर्स्ट रो से 2 कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकता हूं। यही तो मतलब हुआ प्रॉपर्टी का। डेल्टा 3 डेल्टा 1 का डबल है, यानी कि मैं सेकंड कॉलम से 2 कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकता हूं। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है? नंबर 1 कि डिटर्मिनेंट में से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। Do you get that? Determinant में से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो कैसे निकाला जाता है? At a time किसी एक रो से कॉमन निकाल सकते हो, at a time किसी एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हो। मैट्रिसेस में अलग होता है, मैं फिर कह दूं, जो बच्चे मैट्रिस जानते हैं यहां पे मिक्स मत करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत बढ़िया। अब जरा बेटा एक स्टेप आगे जा रहा हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा और बजाने वाला है। बहुत प्यार से देखना, अब आएगा असली मजा। 4 6 2 5, मैंने यहां से फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाला, लो जी निकाल दिया, ये बन गया। फिर मेरा दिल किया कि नहीं यार, मेरे को कॉमन नहीं निकालना, मुझे अंदर डालना मुड़के 2 को, पॉइंट समझो, इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं वहीं पे लेके जाऊं जहां से मैंने कॉमन निकाला, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाएगा, जहां मर्जी भेजो। मैं क्या करता हूं, मैं ना 2 को सेकेंड रो में भेज देता हूं, ये समझ लो। आइडिया क्या है बेटा? आइडिया ये है, जब भी आप एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो वो अंदर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जा सकता है, यानी कि ऐसे, और अगर आप कॉमन निकालना चाहते हो तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन आ सकता है। बस यही पॉइंट है, कॉमन कहां से आएगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। अगर अंदर लेके जाना है कॉन्स्टेंट को, कहां जाएगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, वट Whatever is your choice or whatever is the requirement of the question, जो कि हम करेंगे। मैं कहा छा गए? Yes संदीप, DPP जो है by the night upload हो जाएंगे description में। Yes, तुम एक row से common निकाल के मुड़ के अंदर column में लेके जा सकते हो,
बस पॉइंट वही है, किसी एक रो या कॉलम से कॉमन आएगा, किसी एक रो या कॉलम में जाएगा, जहां मर्जी कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस, वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, पहले तो इसका फायदा, यार मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, अब या तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी चॉइस है, या फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई, देख पा रहे हो सेकंड रो से 24 कॉमन आ जाएगा, कैन यू सी दैट, कैलकुलेशन बच गया, थोड़ा कैलकुलेशन बच गया और कुछ नहीं। अब बेटा ये क्या बन गया, -20 + 15 दैट इज -5, तो दिस इज योर आंसर, जितना बन जाएगा 120 माइनस। तो कॉमन ऐसे निकाल के कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, पहला फायदा तो ये हो गया। हाँ चाहो तो यहां से 5 भी कॉमन निकाल लो, चाहो तो 5 भी कॉमन निकाल लो। अब आ जाओ यहां पे, ये अब अच्छा सवाल आ गया, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है सवाल में, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सुनो मेरी बात, अब तुम्हें प्रॉपर्टीज का फायदा दिखना शुरू होगा। यस यस यस, अब तुम्हें प्रॉपर्टीज का फायदा दिखना शुरू होगा। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, अब सुनो यहां पे बेस बन रहा है कि कैसे प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगी। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती तो मैं इसको ओपन करूंगा, मुझे ओपन करना आता है, ओपन करूंगा, जो वैल्यू आ जाएगी आंसर आ गया। बट अब देखो, अगर मुझे प्रॉपर्टी आती है, डू यू एग्री मैं फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाल सकता हूं, ए बी सी, डू यू एग्री फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाल सकता हूं, दूसरी रो में से बी कॉमन निकाल सकता हूं, मैं दो स्टेप एक साथ कर रहा हूं, दूसरे रो में से बी कॉमन निकाल सकता हूं, दिख रहा है मुझे बी हर जगह पे, और तीसरे रो से भी सी कॉमन निकाल सकता हूं, चाहे तो ना भी निकालो फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि दो रो तो सेम आ ही चुके हैं, और अगर कोई दो रो सेम हो गए मुझे प्रॉपर्टी पता है, आंसर जीरो होता है, आंसर जीरो होता है। हाँ चाहो तो सी भी निकालो, पर जरूरत ही नहीं ना, कोई दो रो सेम आ गए तो मुझको यहीं पर पता लग गया कि आंसर जीरो है, मैं आगे जाऊंगा ही। इस तरह से प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करती हैं। ये रहा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डे, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डे, टोटल करीबन 7 प्रॉपर्टीज हैं। 6th प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जो कि नेक्स्ट सेशन में होगी, एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप नेक्स्ट सेशन से पहले जो इसका डीपीपी मिलेगा उसको तो सॉल्व करें ही, बट आप जो भी बुक फॉलो करते हैं दैट आई विल नॉट सजेस्ट, वो आपने देखना आप कौन सी फॉलो करते हैं, वहां से प्रॉपर्टी 6 के क्वेश्चन थोड़े से खुद करके आए, कुछ समझ आएंगे कुछ नहीं आएंगे डोंट वरी, बट जब हम यहां करेंगे फिर तुम अप्रिशिएट कर पाओगे। एनी बुक यू कैन यूज, आ जाओ यहां पे। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इतनी बड़ी अंग्रेजी ना पढ़ो, तुमको शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर कोई रो में आपको दिख रहा है कि यार एलिमेंट ना दो दो के तोड़े जा सकते हैं, देखो दो टर्म, तो उस रो के अबाउट पूरा डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाता है। उस रो के अबाउट, What do I mean by उस रो के अबाउट? उस रो के अबाउट से मेरा मतलब है कि बाकी पार्ट को कुछ नहीं करना, ध्यान से सुन लो, बाकी पार्ट को कुछ नहीं करना, ऐसे ही दो बार लिख देना है, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ओनली वन रो विल ब्रेक, only one row will break, how, first element and second element, first of all do you get the idea ki break karna kaise hai, reason mein nahi jana, proof mein bhi nahi jana, wo sab baad mein aayega, pehle aapko idea samajh aa gaya ki property kya kehti hai, ki aap ek determinant ko break kar sakte ho about any one row, ye bahut important hai, एक ही रो टूटेगा बाकी दो सेम रहेंगे, बाकी दोनों को बिल्कुल चेंज नहीं करना, वेरी गुड। इससे पहले कि मैं प्रूफ का आइडिया दूं, पहले थोड़ा और एक दो चीजें देख लेते ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा मान लो ऐसा होता, व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट में ज्यादा चलेगा, A1, A2, A3, यहां पे आता B1 + X, अब मुझे चैट में बताओ अबाउट विच रो और कॉलम यू कैन ब्रेक इट और यू विल ब्रेक इट, टेल मी अबाउट विच रो और कॉलम यू विल ब्रेक इट। C
second column. Very good. So when you say second column, do you agree the procedure is बाकी दो कॉलम को बिल्कुल नहीं छेड़ना, बाकी दो कॉलम्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना. यहां पे A1, A2, A3, C1, C2, C3 ये नहीं छेड़ने, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. They will remain same. Only that column will break. B1, B2, B3, X, Y, Z. ये आता है समझ सबको? Exactly. बाकी दो को कुछ छेड़ना ही नहीं है. बहुत बढ़िया. तो चलो इससे पहले कि हम इसको थोड़ा और डिटेल करें, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. और अच्छा, पहले प्रूफ का आइडिया दे दूं. लेट मी गिव यू प्रूफ का आइडिया. और ये प्रूफ बहुत घटिया है, मैं बता रहा हूं तरीका, तुमने खुद करना है. प्रूफ बहुत घटिया है, कुछ ना करो, इसको ओपन कर दो अबाउट रो वन से ओपन कर दो. दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, देन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस को तोड़ो. A1 into this plus X into this. B1 plus Y multiplied by this को तोड़ो. B1 into this plus Y into this. ऐसे इसको तोड़ो. जब तुम तोड़ोगे दो वैल्यूज आएंगी, एक इसके बराबर होगी, एक इसके बराबर. प्रूफ डन, और कुछ है ही नहीं. बहुत इजी प्रूफ है, खटिया प्रूफ, एक नंबर का प्रूफ, फिनिश्ड. सो जस्ट ओपन अबाउट फर्स्ट रो और इसको फिर दो दो में ब्रेक कर देना. ब्रेक करते ही एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रूफ खत्म हो गया. एक दो क्वेश्चन देख के थोड़ा प्रॉपर्टी पे होल्ड जमाते हैं, फिर एक दो अच्छे कंसेप्ट सीखेंगे इसी प्रॉपर्टी के, और फिर आज के सेशन को बोलेंगे टाटा बाय बाय. और हाँ, लाइक करना मत भूलना अगर लेट आए थे, और कल अगली क्लास से टाइम पे आना है. ठीक है, पढ़ो. पढ़ते ही बताओ कितनों को दिख रहा है कि इसको कैसे करना है. शाबाश. और हाँ, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जो अभी 12th में आए हैं अभी भी, प्लीज उनको भी इस कोर्स में जोड़ो फटाफट, क्योंकि यहां पे हमने बहुत मेहनत की इस कोर्स को बनाने के लिए. एक बहुत अच्छी चीज तुम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इनको दोस्तों तक पहुंचाओ, राइट, सो दैट वो भी यहां से सब कुछ सीख पाए. यस, ओ शाबाश, ओ शाबाश, वेरी गुड. देखो यार, पहले तो इसको पकड़ो. सवाल में बोल दिया गया ओपन नहीं करना, ओपन किए बिना प्रूव करो कि वैल्यू जीरो है. अब ओपन किए बिना कैसे प्रूव कर सकते हैं? किस किस को पिछली प्रॉपर्टी याद है? कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर सेम हो जाएं तो वैल्यू क्या होती है? जीरो. तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट को जीरो प्रूव करना हो विदाउट एक्सपेंडिंग, हम कोशिश करते हैं कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम आ जाएं. अबे ब्रेक कर दो, किसके अबाउट? सेकंड रो के अबाउट. जब मैं कह रहा हूं सेकंड रो के अबाउट ब्रेक करना है, मतलब भैया पहली और तीसरी रो को तो छेड़ना ही नहीं है, उसको तो ऐसे ही लिख देना है, छेड़ना भी नहीं है. बीच वाला ब्रेक, ए बी सी, 2x 2y 2z. नाउ डू आई नीड टू टेल यू दिस इज जीरो, दिस इज जीरो एंड हैज जीरो? नो, आई नीड नॉट टेल यू दैट, जरूरत ही नहीं. जब तो ऐसा कुछ इसका आप यूज यहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि हाँ ऐसा यूज हो जाता है इसका. आगे जाके ये सवालों के बीच में आ गए, तो इंडिपेंडेंट सवाल है ना, आगे जाके ये छोटे छोटे कंसेप्ट सवालों के बीच में लगेंगे. अभी तो शुरू किया तो बेसिक क्वेश्चन है ये. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, छा गए. अब देखो जरा यहां पे, तो आप कॉलम के अबाउट भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ये देखो, ये सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला, अगर यहां दो की जगह तीन होते तो आप तीन में ब्रेक कर सकते हो. दो कॉलम बिल्कुल नहीं छेड़ने, मैं फिर कह दूं एट अ टाइम एक रो या एक कॉलम के अबाउट ही ब्रेक होगा, बाकी को बिल्कुल नहीं छेड़ना. तो यहां पे ये वाली चीज ब्रेक हो गई, यहां पे पहला एलिमेंट आ गया, यहां पे दूसरा, यहां पे तीसरा. ठीक है, चलो ब्रेकिंग तो तुमको आ गई, पर सच्ची बताना, चैट में सच्ची बताओ, जिंदगी में तोड़ने में ज्यादा मजा है या चीजों को जोड़ने में ज्यादा मजा है? दिल को तोड़ने में मजा है या दिल को जोड़ने में मजा है? सच्ची बताओ चैट में.
जोड़ने में. एग्जैक्टली चीजों को जोड़ने में ज्यादा मजा आता है यार. प्यार मोहब्बत जोड़ने में है ना, तोड़ने में क्या है. खुशी तो जोड़ने में है. अब सुनो असली पॉइंट. एक्चुअल यूज इस प्रॉपर्टी का जो अच्छे सवाल है, यूज बेटा ऐसे आएगा, ऐसे राइट से लेफ्ट में. अगर आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स दिख रहे हैं जिनमें दो दो चीजें सेम है और एक चीज अलग है, तो वो अलग वाली चीज जुड़ जाएगी, तो वो अलग वाली चीज जुड़ जाएगी. फटाफट देखो, राइट से लेफ्ट देखो, असली मजा इसमें आएगा. असली मजा इसमें है. यूनिक गेमर, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है और मेरे बैच में आना चाहते हो, वह तो मुश्किल है. वह तो मेरे बैच को शुरू हुए अब 2-3 सेशन हो चुके हैं और मेरा बैच एक्चुअली क्लोज्ड बैच है, बट स्टिल अब मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकता. यू नीड टू टॉक टू योर सैम, अपने सैम से बात करो. मे बी कुछ पॉसिबिलिटी हो, बट आई एम अफ्रेड कि वो पॉसिबिलिटी बनेगी अभी. ठीक है, एग्जैक्टली अब यहां से देख पा रहे हो, तो अगर देख पा रहे हो तो मुझे जवाब दो. अब तुमने जवाब दे दिया ना बेटा, तो समझ लो तुम चैंपियन हो. मैं एक चीज लिख रहा हूं, आपने जवाब देना है बेटा. 1, 2, 1 क्यूब, A1, A2, A3, B1, B2, B3. सोचते रहो, जैसे मैं सवाल लिख रहा हूं, सोचते रहो साथ में कि तुमको क्या चीज दिख रही है. क्योंकि इसका जवाब तुमने दे दिया, मतलब तुमको ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई, जो कि अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते बेटा. अच्छे अच्छे बच्चे तोते उड़ जाते हैं उनके. अब मुझे तुमने यकीन दिलाना कि हां सर हमको समझ आ गई है. देख लो क्या पैटर्न बन रहा है. सो ऑन टू 10, 20. थैंक यू. चैट में मुझे फटाफट बता दो कितनों को दिख रहा है कि अब क्या होने वाला है. जस्ट से यस और नो. कितनों को दिख रहा है कि अगर मुझे ये वैल्यू पूछी गई है तो मैं ये वैल्यू कैसे निकालने वाला हूं. कितनों को दिख रहा है कि एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा. कितनों को दिख रहा है. ओ दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया, मजा आ गया. वेरी गुड. ओ शाबाश. हमने देखा कि ये जो बहुत सारे डिटर्मिनेंट हैं, इनमें दो कॉलम सबके सेम है, सिर्फ एक ही कॉलम है जिसमें टर्म्स चेंज हो रही हैं. और जब भी ऐसा होता है, ये सारे ऐड हो जाते हैं. टेल मी तुम बता ही चुके हो किसके अबाउट ऐड होंगे, जो चेंज हो रहा था, जो चेंज हो रहा था. तो 1 + 2 + 3 सो ऑन टू 10, 2 + 4 + 6 सो ऑन टू 20, 1 cube + 2 cube सो ऑन टू 10 cube. और बाकी तो क्या रहेंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे क्या. टेल मी इन द चैट, ये भी ऐड हो जाएंगे क्या. ये भी ऐड कर दूं क्या. नहीं सर, इनको तो ऐसे ही रखना है, इनको नहीं छेड़ना, ये तो सेम रहेंगे. बहुत बढ़िया, नो बोल दिया, दिल ही खुश हो गया मेरा. तुम मानते हो ना, YouTube पे भी तुम पढ़ सकते हो अगर डेडिकेशन है तुम्हारी पूरी की पूरी. बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है. शाबाश. तो वो सेम ही रहेंगे, ये ऐड हो जाएंगे. ये मैं सिर्फ तुमको एक एग्जांपल दे रहा था, इसी का भाई बहन आगे आ जाएगा अच्छे एग्जांपल में. और अब तो जब ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार इसको ऐड कर दो जो कि तुमको आता है. पहले दो तो एपी हैं और ये सिंपल सिग्मा के क्यूब है. वेरी गुड संजय कुमार. अब मुझे ये बताओ, अगर तुम वाकई चैंपियन बनना चाह रहे हो, IIT तक जाना चाह रहे हो, तो ये बताओ कितनों को समझ आ रहा है कि यही सवाल मैं शॉर्ट में डराने के लिए ऐसे भी पूछ सकता था. सिग्मा डिटर्मिनेंट के 2k के क्यू A1, A2, A3, B1, B2, B3. डू यू एग्री. इसी सवाल को मैं ऐसे भी पूछ सकता था, वेयर के इज 1 to 10. बस डराने के लिए एक सिग्मा लगा दिया. बच्चे सिग्मा देख के डर जाते हैं. अरे पूछी तो सेम ही चीज है.
घटिया हो गया सवाल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश। और अब आता है बहुत ही प्यारी सी चीज, समझ तो ली है, अब याद कर लेंगे ताकि टाइम बचे। और अगर सॉल्व की बात करूं तो ध्यान से देखो सॉल्व कैसे हुआ। ये सिग्मा जो है अंदर चला गया पहले कॉलम में, यस और नो? वो सिग्मा अंदर चला गया पहले कॉलम में, डू यू ऑल एग्री? यही तो किया सॉल्व करते हुए हमने। तो अब रट्टा कैसे मारना, याद कैसे करना ताकि टाइम बचे, ताकि टाइम बचे। तुम्हें डिटरमिनेंट के बाहर कभी भी सिग्मा दिख जाए, उस सिग्मा को अंदर ले जाओ। कहां पे? जहां पे उसका वेरिएबल बैठा है, के, के इज द वेरिएबल, यहां बैठा है, अंदर ले जाओ। सवाल निपट गया, सवाल निपट गया। तो अगर डिटरमिनेंट के बाहर सिग्मा दिख गया तो जहां पे भी ये आर दिख रहा है ना, आर किसी एक रो या कॉलम में दिखेगा, जहां दिख रहा है बस सिग्मा को वहां ले जाओ। सवाल वहीं पे निपट गया। बच्चा कहता गाना भाई, वैसे तो जाने गुने अभी थोड़ा मैं पूरा मूड में हूं, एक छोटी सी लाइन गुनगुना देता हूं। कल सुन रहा था, हमको बहुत अच्छी लगी, कल मैंने अपने पेड प्लेटफॉर्म पे भी सेम ही गाना सुनाया था। अगर कोई बच्चा बैठा तो भी बोल देगा सर आपने कल भी यही सुनाया था। वैसे बस कल सुना, अच्छा लगा। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला है आई। भूल जाता हूं, तो मैं गाने भूल जाता हूं यार। हाँ, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला है आई। दिल की यार फिर भूल गया। सपनों की दहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई, शहनाई शहनाई। ख्वाबों के बीच कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है। अपना बोझा मिलके यारो हम खुद ही ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला है आई। सपनों की दहरी में दिल की बाजे रे शहनाई शहनाई। ठीक है जी। सो बात है कि शुभारंभ हो रहा है, अपना बोझा खुद ही उठाना है, बस मेहनत करनी है तुम्हें, और कुछ नहीं। ठीक है, शाबाश। और आज रात को सेशन लेके आ रहा हूं, 8 बजे जरूर लगाना, बड़ा फायदा होगा। तो एक अगर क्वेश्चन देख लो, काम खत्म, आज का सेशन वहीं पे खत्म होगा। बता दो फटाफट ये सिग्मा कहां जाएगा, फटाफट बता दो ये सिग्मा कहां जाएगा, बता दो। सिग्मा ऑफ डेल्टा करना है, ये पूछा गया है, तो बता दो फटाफट सिग्मा कहां जाएगा। सर जी फर्स्ट कॉलम में जाएगा, बिल्कुल जहां पर, अरे वाह, एक बच्चा कहता आर के पास जाएगा, ये ज्यादा बेटर है, जहां पे भी आर दिख जाए वहां जाएगा। तो इसको अंदर ले जाओ, सवाल हो गया खत्म। सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब, 1, 2, 3, 55, 385, 3025। अब मुझे ये मत बोलना तुमको ये वैल्यूज नहीं पता, मुझे सिग्मा आर पता है n into n+1/2, सिग्मा आर स्क्वायर पता है n into n+1 into 2n+1/6, सिग्मा आर क्यूब पता है n into n+1 into n+1/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही सिग्मा की वैल्यू रखोगे, इसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके देखा कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम ही आ गए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम ही आ गए, सेम ही आ गए मतलब वैल्यू हो गई जीरो। एक क्वेश्चन और देख लो फटाफट, फिर हम खत्म। बता दो सिग्मा कहां जाएगा। यहां बच्चे अक्सर डरते हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि मेरा वेरिएबल क्या है। बता दो सिग्मा कहां जाएगा। देखो जरा, तुमने टॉप क्लास सीख लिया या पूरा अभी थोड़ा एक लेवल नीचे हो, सोच के बताना सिग्मा कहां जाएगा। कहां जाएगा सिग्मा? आर के पास जाएगा। ओ शाबाश, जहां पे भी तुम्हें वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है सिग्मा का वेरिएबल आर है, सिग्मा का वेरिएबल आर है, तो जहां आर है ना बेटा वहां जाएगा, एन के पास नहीं जाना, जहां पे आर है वहां जाएगा। तो सिग्मा यहां चल जाएगा, ये सिंपल n into n+1/2 है, ये जीपी है। टेल मी द चैट, देख पा रहे हो? ये जीपी है, ये जीपी है,
ये भी जीपी है, देख पा रहे हो? और जीपी का सम तो तुमको पहले से आता है, जैसे ही जीपी का सम लगाओगे सवाल खत्म हो जाना है। सो आई होप तुम्हें आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो नए बच्चे हैं वो, अच्छा एक छोटी चीज रह गई, और देख पा रहे हो ये चार में टूटेगा, फटाफट देखो एक चीज रह गई थी, शुक्र है मिस नहीं हो गई, मैं पहले मिस करने लगा था गलती से, आई होप आई मीन आई एम हैप्पी कि मैंने देख लिया। और देख पा रहे हो कि ये चार में टूटेगा, कैन यू सी, एट अ टाइम एक ही के अबाउट टूटना बेटा, एट अ टाइम एक के अबाउट। और किधर है, इधर आ गया क्या, एक तो एक घूम जाते हैं यार, आ गया। एट अ टाइम एक के अबाउट टूटेगा बेटा, तो पहले तोड़ दो फर्स्ट रो के अबाउट, ए वन बी वन सी वन एक्स वन वाई वन जेड वन, बाकी बिल्कुल सेम, ए टू प्लस एक्स टू बी टू प्लस वाई टू सी टू प्लस जेड टू, बाकी नहीं चेंज होने, पहले बता दूं एट अ टाइम एक ही के अबाउट टूटेगा बेटा। प्लीज मेक श्योर ये गलती मत कर दो, दो देख के दोनों कट्ठे तोड़ दिए, ये मत कर देना ऐसे, गॉट इट, ये सबको समझ आ गया। एट अ टाइम एक ही के अबाउट तोड़ा, मैंने फर्स्ट रो को ब्रेक किया, सेकंड थर्ड बिल्कुल सेम है, और आई शाबाश दिया। अब चाहो, अगर चाहो तो फर्दर तोड़ सकते हो, कैन यू सी कि ये दो में टूटेगा, इफ यस टेल मी किस रो के अबाउट टूटेगा ये, अगर चाहो तो फर्दर तोड़ सकते हो, बताओ किस रो के अबाउट टूटेगा अब। शाबाश शाबाश, सेकंड के अबाउट, और क्या देख पा रहे हो ये भी दो में टूटेगा, सेकंड रो के अबाउट, अगर तोड़ना चाहो, अगर तोड़ना चाहो, वेरी गुड। तो अगर ऐसा आ जाए तो एट अ टाइम एक ही ब्रेक होता है और एक एक करके सारे ब्रेक हो जाते हैं। कितने बच्चे सही जवाब देते हैं मेरे को देखना है बेटा। अगर यहां पे एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री होता तो कितने जने देख पा रहे हैं, पहले ये दो में टूटता, फिर ये दोनों दो दो में टूटते, और फिर ये चारों दो 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 में टूटते थर्ड रो के अबाउट, ये चारों दो 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 में टूटते थर्ड रो के अबाउट। कितने जने देख पा रहे हैं फटाफट बता दो, कुछ ने छह लिख दिया था मैंने पिटाई कर देनी है, तो क्यों नहीं मारने, सोचा करो एग्जैक्टली exactly. क्योंकि अब इन चारों में थर्ड रो में दो दो एलिमेंट है ना, तो ये चारों दो 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 में टूटेंगे। बहुत बढ़िया, पहले छह लिखा था कुछ बच्चों ने, तुक्का मार देते हो फटाफट, सोचते नहीं हो एग्जैक्टली exactly. कृष्णा दिस इज बेटा मोर ऑर लेस हिंदी बैच, बेसिकली दिस चैनल इज हिंदी, थोड़ी बहुत हम अंग्रेजी यूज करते हैं बट मेजरली इट्स अ हिंदी बैच, ओके। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे प्योर इंग्लिश में नहीं जा सकते हम, ठीक है, बट यस एक हमारा चैनल है हमारा ही वेदांतु जेई एंथ्यूज, जहाँ पे भी लॉन्ग ट्रैक अभी शुरू हो जाएगा या होने वाला होगा या हो गया होगा सॉरी, आप वहाँ पे देख सकते हो वेदांतु एंथ्यूज, वो प्योर इंग्लिश चैनल है, ठीक। रिधिमा जीपी आपको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, जीपी तो 11 का बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप चाहो तो YouTube पे वन शॉट देख सकते हो सीक्वेंस सीरीज का, वहाँ से रिवाइज करो, हालांकि मेजर यूज़ नहीं है, बहुत छोटा सा यूज़ आएगा जगह जगह पे, ऐसा कोई खतरनाक एप्लीकेशन नहीं आएगा, बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बिना बात नहीं बनेगी बेटा, ओके। सो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सेशन के एंड पे आपको बता दूंगा एक बारी जो हमारा कोर्स रहता है, तो वो बता देता हूँ अब मैं, कहाँ से बताना है, शायद यहाँ से बताना है, हाँ जैसा मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप इसी चीज को अगर प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो, इसी चीज को प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हो, जहां पे आपको कह लो कि एडवांटेज आता है कि पर्सनलाइज्ड मिल जाता है और हैंड होल्डिंग होती है, यानी कि आपको जो यहां पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, आप इसी को मेरे जैसे या मेरे से बेटर टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हो इन अ मोर पर्सनलाइज्ड एंड हैंड होल्डिंग मैनर, तो आप वेदांतु को ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन में। तो मैं फटाफट बताता हूँ, अब फटाफट नहीं तो आराम से बताऊंगा, बिगिनिंग में फटाफट बताता हूँ, तो आज बेटा बताया जाए आपको, क्लासेस में काफ़ी लाइव इंटरेक्टिव माहौल रहता है, राइट, यानी कि इंटरेक्शन चलता है बच्चों टीचर के बीच में, पोस्ट क्लास कंटेंट सारा रहता है, आप जो क्लास में पढ़ते हो वो आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है, आप रीप्ले देख सकते हो जितने मर्जी बार,
और जो हमने पढ़ाया आप उसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या सिस्टम में रख सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो। टेस्ट आपके रेगुलर होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जिसकी पूरी रिपोर्ट मिलती है। डाउट सॉल्विंग इन क्लास जो होता है, डबल टीचर मॉडल होता है बेटा, एक पढ़ा रहे होते हैं एक पैदल ही डाउट ले रहे होते हैं। जो पढ़ाते हैं वो भी डाउट लेते हैं, बट सर्टनली कई बार वो पढ़ाने उसमें होते हैं, कंसेप्ट के बीच में होते हैं, तो डाउट अगर नहीं ले पा रहे तो पैरेलली टीचर बैठे होते हैं बहुत सारे, जो आपके डाउट्स लेते हैं। तो आपको इन क्लास और पोस्ट क्लास कहीं पे भी डाउट्स में प्रॉब्लम नहीं आती। एंड फाइनली पर्सनलाइज इंटरवेंशन रहता है, यानी कि भैया पीटीएम वगैरह होती है, रिपोर्ट्स मिलती हैं, थोड़ा डंडा रहेगा पढ़ाई के ऊपर। आओ तुमको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है सेशन में एक्चुअली, ऐसा दिखता है एक्चुअल सेशन। ये मेरी अपनी क्लास का शॉट है, स्क्रीन शॉट। तो क्लास स्टार्ट्स विद, समझ आएगा तो मज़ा आएगा, वो थीम रहता है कि वी हैव टू बी नो इंजॉय भी करना है और पढ़ना भी है, दैट इज द थीम बेसिकली जो हमें रखना होता है, राइट। देन टीचर पढ़ाते हैं, टाइप्ड कंटेंट भी रहता है बट टीचर लिख के भी समझाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लिख के पढ़ाया जाता है तो ज़्यादा बच्चा याद रखता है। बाद में पूछा जाता है कितनों को समझ आया कितनों को समझ नहीं आया, पोल लिया जाता है टाइम टाइम पे समझाने के बाद। जब डाउट आता है, जितनों को समझ नहीं आया था डाउट था, उनको अनम्यूट करके डाउट लेते हैं। आप अनकैम भी करते हैं, कई टीचर अनकैम भी कर लेते हैं, मैं नॉर्मली अनम्यूट करता हूँ। डाउट के बाद फिर क्विजेज होते हैं, जब डाउट सारे क्लियर हो गए फिर क्विजेज होते हैं, रियल क्लास में क्विजेज लिए जाते हैं चेक करने के लिए। रिपोर्ट आ जाती क्लास में, कितने बच्चों ने ठीक किया, जिन्होंने गलत किया वो क्या गलत किया। एंड ऑफ द क्लास में प्रॉपर लीडर बोर्ड बनता है ताकि मोटिवेशन बना रहे भैया, बच्चों को होता है कि हमें ऊपर आना है ऊपर आना है। स्टार्स मिलते रहते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे और वो क्यूमुलेट होते हैं। क्लास के एंड पे फीडबैक आता है कि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो बच्चे बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आई थी, तो वो अगली क्लास में उसका ध्यान रखा जाता है। तो ये एक टिपिकल फ्लो है जो क्लास में फॉलो किया जाता है पढ़ाने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट चैट रहता है, जब टीचर ओपन करता है चैट, बच्चे चैट के थ्रू बात कर लेते हैं, वरना टीचर अनम्यूट करके रहता है बात करता है। डाउट ऐप ऐसा रहता है, वेदांतु की ऐप डाउनलोड कर लो, उसी के अंदर ही डाउट का सिस्टम होता है जो कि आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। बस कुछ नहीं है, फोटो खींचनी है क्वेश्चन की, भेज देनी है, उसका सोल्यूशन आपको आ जाता है। जरूरत पड़े तो आपको मैसेज के थ्रू समझाया जाता है, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आपको डिस्कस भी करना है अलग से, राइट। रेगुलर टेस्ट होते हैं प्रॉपर CBT मोड में, जब आप टेस्ट देते हो एक प्रॉपर एनालिसिस आता है, आपके स्कोर कितने हैं, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या था, एक्यूरेसी लेवल, और इसमें बहुत बारीकी तक का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। आपके स्कोर टॉपर के साथ कंपेयर किए जाते हैं, क्लास के एवरेज के साथ कंपेयर किए जाते हैं, ताकि आप देख पाओ कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। टॉपिक बाय टॉपिक आपने कितने ठीक गलत किए वो आता है। एक टेस्ट है, मान लो उसमें तीन चैप्टर आ रहे हैं, तीन टॉपिक आ रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन पे टॉपिक टैग होते हैं, तो आपको टेस्ट के एंड पे पूरी रिपोर्ट मिलती है कि आपने किस टॉपिक के क्वेश्चन ठीक किए, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत किए, राइट। सो दैट आप उस टॉपिक पे वर्क कर पाओ। तो काफ़ी डिटेल रहता है ये, और इसी डिटेलिंग की वजह से ही वेदांतु हैज बीन द लीडर इन दीज रिजल्ट्स, लर्निंग आउटकम, रिजल्ट्स एंड लर्निंग आउटकम, कैटेगरी लीडर है ये। चाहे वो 10th की बात कर लो, चाहे वो 12th CBSE की बात कर लो, चाहे वो JEE एडवांस की बात कर लो, नेशनल एवरेज जो जितने भी नेशनली हैं सारे, उनके कंपैरिजन में इतना रिजल्ट है हमारा। वेदांतु में ऑन एन एवरेज हर एक 10 में से एक बच्चा JEE एडवांस क्लियर कर लेता है। एडवांस क्लियर मतलब एडवांस उसका रैंक आ जाता है, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, रैंक आ जाता है। और मेरे ख्याल से तुम्हें इतना टैलेंट तो आराम से है कि तुम 10 में से तो एक बन ही सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि 100 में 1000 में से एक आ जाओ, 10 में से एक बनने को कह रहा हूँ। That has been the record of Vedantu. Certainly, at any time, subscription का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? You can enroll into any number of courses. आपको JEE और CBSE के लिए अलग अलग नहीं पैसे पे करने, आपने एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आप उसी के थ्रू JEE का लॉन्ग ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसी में CBSE ज्वाइन कर सकते हो, उसी में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के, या चैप्टर वाइज की कंप्लीट थ्योरी या फास्ट ट्रैक चल रहा होता है, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हो जितने मर्जी में से। यस तेजस्विनी, गॉड ब्लेस यू। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कोर्स एनरोलमेंट, आपको जरूरत के मुताबिक जितने में करना कर सकते हो। यस एक आपका लॉन्ग ट्रैक बैच होता है जो आपका पूरा साल का सिलेबस एंड एवरीथिंग रहता है, उसके अलावा आप जितने मर्जी एनरोल करो, राइट। तो ये रहता है बेटा, अगर हम बात करें जो प्लेटफॉर्म है उसका सिस्टम। एंड इफ यू वॉन्ट टू कम हेयर एंड ज्वाइन सब्सक्रिप्शन एंड स्टडी द थिंग्स विच आई एम टीचिंग हेयर इन अ मोर पर्सनलाइज मैनर, ज़्यादा यू नो इंटरेक्शन हो जाता है, डाउट्स हो जाते हैं, हैंड होल्डिंग हो जाती है, पर्सनल टीचर आपको टाइम टाइम पे गाइड करता रहता है, देन यू गॉट टू ज्वाइन सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना बहुत आसान और बहुत अफोर्डेबल है बेटा।
इसी सेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। एक बच्चा डीपीपी के बारे में पूछ रहा है, बेटा आप 2 मिनट लुको, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहां पे आ जाएगा, यूज कोड एवीके प्रो, राइट, इस लिंक को क्लिक कर देना आपने। ये आपसे पूछेगा आपकी क्लास कौन सी, तो आपने 12th भर देना बेटा, अब आप 12th में हो गए ना, और टारगेट में जेई 22 भर देना है। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पे वो आपको 1 मंथ या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन पूछेगा। नॉर्मली बच्चे केवल 1 मंथ ज्वाइन करते क्योंकि उनको सबसे पहले देख ले यार, बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सीधे 1 ईयर के लिए जा सकते हो। एक तो बहुत सस्ता हो जाता है, प्राइस बहुत कम हो जाता है, दूसरा आई एम टेलिंग यू विदांतु हैज बीन द लीडर इन ऑल द रिजल्ट प्रोड्यूसिंग थिंग, नो, तो डाउट नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट गेट अ बेटर थिंग देन दिस बेसिकली। सो जस्ट प्रोसीड टू पे, ठीक। आप यहाँ पे अगर कूपन कोड लगाओगे प्राइस फॉल कर जाएगा, ऑलमोस्ट 40,000 है ये, आप कोड लगाते ही 35-36 पे आ जाएगा। पूरा 12th एंड तक टिल योर जेई एडवांस जस्ट 36,000 PCM कंप्लीट एवरीथिंग। डू यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी इन द चैट कि इन 36,000 यू आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स कंप्लीट कोर्स, पूरा साल, साल का सवा साल हो जाता है क्योंकि जेई एडवांस तो बहुत लेट जाता है। PCM, टेस्ट, क्रैश कोर्स, 12th सिलेबस, 11th रिविजन, सब कुछ इसके बीच में। एंड दैट टू आप मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जेई में, CBSE में, प्रीवियस ईयर, जितना मर्जी आप कर सकते हो, ठीक। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि भैया ऐसे ही नहीं विद्यांतु के टॉप रिजल्ट आते हैं। लास्ट ईयर पता है ना 543 के आसपास बच्चों ने एडवांस में रैंक लिया था, समझ रहे हो, काउंट नंबर देख रहे हो। सो दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। एंड What I will suggest personally, कि अगर आप जब ये लोगे, this is pro light, okay? इसमें थोड़ा सा आप enrollment के बाद अगर आप upgrade कर लो pro plus में, तो you will get a personalized teacher, PT कहते हैं उसको हम, personal teacher, जो कि हर वक्त आपके लिए available होगा on a call, academic doubts हो, चाहे non academic query हो, चाहे आपको schedule बनाना है, कुछ भी, you get a full-fledged teacher available for you all the time at a call. So I will strongly suggest अगर आप इसमें जाते हो, no doubt pro plus थोड़ा costly रहता है, exact price तो आपको बाद में पता लगेगा, थोड़ा ज़्यादा costly होता है, इससे तो costly रहता है, but इसका फ़ायदा बहुत होता है, ठीक है। But yes, for affordable thing, this is something which everybody can afford, यार 3,000 भी नहीं है बेटा पर मंथ, करीबन 15,000 का फीस, 15 months का फीस, और ये 36,000 है, it is even less than 3,000, right? समझ रहे हो, 2,500 के आसपास है। तो दिस इज अ थिंग, सो दैट इज हाउ यू ज्वाइन अपना जो प्लेटफॉर्म का कोर्स है, एंड ये उसके एडवांटेजेस हैं। सो नाउ इज द टाइम टू से गुड बाय एंड लेट मी टेक फ्यू क्वेरीज, जो बच्चों की कुछ क्वेरीज मुझे दिख रही हैं, इसी सेशन को ओपन कर देते हैं, एक मिनट, हट जाओ, लो जी यहाँ पे आ गया, ये रहा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के डाउट्स देख लेता हूँ, जो कुछ डाउट्स हैं, फिर वो क्वेरी लेके हम चलेंगे आगे। लो जी, पूछिए क्या क्या क्वेरी थी। यस शिवम, 100% बेटा, तुम्हें डाउट ही नहीं होना चाहिए। ओके, डीपीपी बेटा, डीपीपी आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे बाय द नाइट, जब भी सेशन होगा सेम नाइट को डीपीपी अपलोड हो जाएंगे, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में और अटेम्प्ट कर सकते हो। और बताओ बेटा रजत, इस बैच का जो शेड्यूल है, ये जो चल रहा है, ये 1:30 to 4 के बीच में आपके डेली एक सब्जेक्ट का क्लास होगा, तो वीक में 2 physics 2 chemistry 2 math, राइट। जो आपका केमिस्ट्री है, यार मैं भूल गया दिन क्या थे, एक मिनट, में लिखा हुआ क्या नहीं लिखा, एक मिनट, मंडे एंड फ्राइडे विल बी केमिस्ट्री, एंड वेंसडे एंड सैटरडे विल बी फिजिक्स, अब जो 2 दिन बचे वो मैथ, ठीक। ओके कृष्णा, आई विल ट्राई टू डू दैट, बट दिस चैनल इज मोर ऑफ हिंदी, एंड हिंदी में जो मजा आता ना समहाउ मेरे को, इंग्लिश में वो मजा नहीं आता समहाउ मेरे को, ठीक बेटा। बेस्ट बुक के बारे में आई विल नॉट कमेंट हियर, दिस इज समथिंग, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, एंड अभी मैं उस मोड में नहीं हूं कि मैं बेस्ट बुक पे कमेंट करूं। देर आर मैनी बुक्स, और हर एक बुक का अलग अलग पर्पज होता है, कोई भी बेस्ट या बैड नहीं होती, पॉइंट है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके मुताबिक बुक होती है। तो
तो आपको देखना क्या आपका रिक्वायरमेंट कैसा है, उसके मुताबिक अलग बुक है। MCQ ए दास गुप्ता उसका अलग पर्पज़ है, GT वानी सिंगेज अलग पर्पज़ है, अरिहंत का बुक अलग पर्पज़ है, राइट। सो सब बुक्स के अलग अलग पर्पज़ होते हैं, तो बेस्ट या बैड कुछ नहीं होता, एवरी बुक इज गुड। यस लफी, अब तो सेशन खत्म हो गया बेटा, नेवर माइंड, आप रीप्ले देख लेना। सो फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट, देन सेकेंड चैप्टर जो कि 3 सेशन के बाद शुरू होगा, दैट इज मैट्रिसेस, एंड आफ्टर दैट रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो चलो दैट्स ऑल फॉर दैट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। 1:30 to 4 का स्लॉट फिक्स कर लो, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मैक्सिमम बच्चों को इसे जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बड़ी चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छी चीज आपको कराना चाह रहे हैं, तो जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना बेटर है, सबका फायदा होगा, ठीक है। तो चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून अगेन, खुश रहो, सीखते रहो, मजे करते रहो, और दूसरों की मदद करना मत भूलना, ताकि वो भी सीखें और मजे करें, ठीक है। बाय बाय, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। यस बेटा, जो स्लाइड्स में